वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम अगेन हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ में मिले हैं, जहाँ पे हम इस हफ्ते के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो बात करनी है, जैसे एग्ज़ाम्स हैव बीन ओवर एंड दोज जिनका नहीं हुआ है, फॉर देम डू नॉट गिव अप। एक दो दिन ठीक है लगता है, बट अगेन रीबूस्ट योर सेल्फ एंड स्टार्ट इट। 3-4 महीने उसमें टाइम मत बिगाड़ो कि नहीं रिजल्ट आएगा तब तक रहा देखूंगा। चेक योर पेपर, क्या आ रहा है नियर बाय। इफ इट इज़ गोइंग देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस, एंड इफ इट इज़ नॉट देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट ईयर। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑफ 4-5 मंथ लैगिंग अराउंड इट। ओके, नाउ हम देखेंगे इस बार के न्यूज़ में सबसे पहला टॉपिक है अजरबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट ओवर नगरगांव काराबाग एनक्लेव। ये बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है और किस तरीके से ये इमर्ज हुआ है कैसे, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन लास्ट टाइम हमारे लेक्चर में बिकॉज ऑफ सम वॉइस इशू आरटीआई वाला रह गया था, तो आई हैव इंक्लूडेड ओवर हियर, सो विल डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो। रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हाल फिलहाल में रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक काफ़ी बड़ी डिस्कशन है, सो वी आर गोइंग टू सी कि किस तरीके से ज्यूरिप्रूडेंस हुआ है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन के बेस पर। ऑनसेट ऑफ मानसून, IMD के द्वारा कुछ बातें बोली गई है, जो विल डिस्कस कैसे मॉनसून आता है, क्या है इट। पार्ट कैन बी ऑफ योर सम वॉट फॉर द प्रिलिम्स ऑल्सो एंड इवन फॉर द मेन्स। इंडियाज चेंजिंग गोल पोस्ट ओवर कोल, सो निर्मला सीतारामन आप फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो हमें भी थिंक करने पड़ता है कि वाई, बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया इंडिया गोल इज चेंजिंग नाउ। क्वेश्चनिंग द सेफ्टी ऑफ आधार, हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया था उसी के बेसिस पे ये डिस्कशन है। व्हाट इज़ एन आर्टिलरी रॉकेट, सो आर्टिलरी रॉकेट क्या है, US के द्वारा किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है और कैसे है वो हम समझेंगे। देन गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी के लिए हाल फिलहाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक डिस्कशन करने की बात की, सो विल सी क्या है वो। एंड स्टॉकहोम प्लस 50, सो स्टॉकहोम प्लस 50, 50 साल हो गए 5 जून द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन, उस दिन एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया था फॉर द एनवायरमेंट डे एंड UNEP की भी शुरुआत उसी दिन से हुई थी, तो क्या है ये और 50 साल ऊपर हो चुके हैं तो उसी का ये सेलिब्रेशन है। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक अजरबैजान एंड आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट, सो बेसिकली अगर आप ये देख रहे हो नगोर्ना काराबाग इनक्लेव, आई शो यू द पिक्चर ऑफ, ये देख रहे हो दिस इज आर्मेनिया, दिस इज अजरबैजान, अजरबैजान आधा आर्मेनिया के इस साइड भी और बाकी का इधर है, ठीक है। यहाँ पे एक हिस्सा आता है आर्मेनिया, ये रहा, दिस इज सर्टेन पोर्शन ऑफ अजरबैजान यहाँ पर है और बाकी का अजरबैजान ये रहा। यहाँ पे ये एक पार्ट है जो ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग है, जिसे ही बोलते हैं दी नगरोन काराबाग ऑटोनॉमस एनक्लेव। बेसिकली ये जो पोर्शन है इसके ऊपर ही पूरी बवाल छिड़ मची है। लास्ट 2 साल पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्ट वॉर जैसा हो चुका था एंड देन पीस करवाना पड़ा, और अभी बीच में भी हुआ था। सो वी आर गोइंग टू सी कि ये क्या है क्यों है, पर अभी पहले हम इसके ज्योग्राफिकल आस्पेक्ट देख लेते हैं, प्री आस्पेक्ट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं इधर से। सो यू कैन सी ओवर हियर, आपको क्वेश्चन पूछा था टर्की का इस साल, सो टर्की ये मेजर पोर्शन आपका ऑटोमन एम्पायर का आता है, सो रोमानिया क्रोशिया उसमें नहीं था, उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो उसी बेसिस पे हम समझेंगे कि यहाँ पे आप ये देखो, दिस इज द कैप्शन सी, दिस इज द ब्लैक सी एंड दिस इज द मेडिटेरियन सी, एंड द क्वेश्चन इज क्या आर्मेनिया बॉर्डर करता है ब्लैक सी को, तो नहीं नहीं करता। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जॉर्जिया है जो बॉर्डर करता है, ये टर्की है, सो आर्मेनिया इज लैंड लॉक, वो ना ब्लैक सी को बॉर्डर करता है, ना मेडिटेरियन सी को, ना कैप्शन सी को, ये लैंड लॉक है। इसके बाजू में टर्की है, ऊपर आप देख लो ये इतना पोर्शन जॉर्जिया है एंड अजरबैजान है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ये अजरबैजान का हिस्सा, ईरान का हिस्सा, ये आर्मेनिया को बॉर्डर करता है। अजरबैजान है जो कैप्शन सी को बॉर्डर करते हैं एंड नीचे यू कैन सी इवन टचिंग द ईरान एंड ऑल्सो इवन टचिंग द टर्की पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैपिंग सीखनी पड़ेगी, वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं कॉन्फ्लिक्ट बेसिस पे। सो ब्लैक सी इधर है, दिस इज टर्की, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में, ठीक है, गेटवे ऑफ बोलते हैं यहाँ पे।
अभी यहाँ पे लैंडलॉक में है ये आपका अर्मेनिया, ये रहा अर्मेनिया, दिस इज़ द पोर्शन अर्मेनिया, और ये लैंडलॉक है, कोई सी को टच नहीं करता। यहाँ पे जॉर्जिया है, यहाँ पे टर्की है, यहाँ पे अजरबैजान है, यहाँ पे ईरान है। सो अर्मेनिया ईरान को, टर्की को, जॉर्जिया को, अजरबैजान को बॉर्डर करता है। अजरबैजान कैप्शन सी को टच करता है, बाकी और कोई सी को टच नहीं करता। ना चलते हैं बैक टू आर डिस्कशन, क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट और कैसे शुरू हुई। सो मेजरली अभी न्यूज़ में इसलिए था कि अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर एंड अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू सेट अप अ कमेटी एंड दे विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस बाउंड्री, जो बॉर्डर की इशू है उसके सिक्योरिटी एंड डिलिमिटेशन करने की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो नगरगांव कारबाग इनक्लेव जो इतने टाइम से कॉन्फ्लिक्टेड है, माइट बी अब स्टेप लिया जाएगा इसका रिजोल्यूशन का। सो हम देखते हैं क्या इसकी स्टोरी कैसे, ये आपके GS2 के अंदर आएगा, प्रिलिम प्रस्पेक्टिव आपके मैपिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, एंड मेंस पर्सपेक्टिव इशू के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इंडिया का क्या रिलेशन है, ठीक है। नाउ बात करते हैं नगरगांव कारबाग की कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू होती है। बेसिकली अर्मेनिया एंड अजरबैजान वॉज इनिशियली पार्ट ऑफ द टर्की, ठीक है, जब ऑटोमन एम्पायर था उसी के अंदर उसका अर्मेनिया अजरबैजान उसी के अंदर आता था, ठीक है। अर्मेनिया जो है वहाँ पे एथनिक क्रिश्चियन रहते हैं, एथनिसिटी क्रिश्चियंस की ज़्यादा है, अजरबैजान है वहाँ पे इस्लामिक मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखने जाए तो कहीं ना कहीं जब ऑटोमन एम्पायर था तब दोनों अंदर सबड्यूबे थे, और जब बहुत ज़्यादा उस वक्त क्रिश्चियन के ऊपर जिस तरीके से एट्रोसिटी हो रही थी तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी हुई गई थी। जब ऑटोमन एम्पायर टूटा द रीज़न वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है, तो उस वक्त अर्मेनिया एंड अजरबैजान वॉज बिकम द पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। अर्मेनिया का थोड़ा सा हिस्सा ऑलरेडी पहले से रशिया के पास था उस वक्त, USSR, नॉट रशिया, आई कैन से USSR, ठीक है। तो जब रशिया जो था उसी के पार्ट के अंदर ये बन चुका था एंड एक फाइनली बड़ा सा USSR फॉर्म हो रहा था। सो ऑलमोस्ट जब तक USSR था, 1990 के अराउंड तक USSR था, वहाँ तक अर्मेनिया अजरबैजान USSR का पार्ट रहा। जैसे ही USSR टूटा तब अर्मेनिया अजरबैजान इंडिपेंडेंटली इमर्ज हुए। अब वहीं से ये शुरुआत आ जाती है नगरखाव नगरोनो कारबाग एन्क्लेव की। बेसिकली ये जो एन्क्लेव है इसमें अर्मेनिया के जो एथनिसिटी वाले क्रिश्चियन लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं, पर आता ये पोर्शन है अजरबैजान के अंदर जो फुल्ली मुस्लिम मेजोरिटी है। सो वो जो एन्क्लेव है वो डिमांड करेगी उनको अर्मेनिया से जुड़ना है, नॉट इन दी अजरबैजान। जब रशिया के सोवियत के भी पार्ट थे तभी भी ये बात चली थी, जब सोवियत से टूटे तभी से इसकी बात और वॉर जैसी चीज़ें शुरू हो चुकी थी, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड, कहीं ना कहीं रशिया ने इस पोर्शन को अजरबैजान में ही रखा गया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि ज्योग्राफिकली वो बीच में आता, मतलब ऑलमोस्ट नियर बाय पास में पड़ता है, बट कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली ज़्यादा अजरबैजान के पास आता है, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते, ये कुछ रीज़न दिए गए थे। बट यहीं से डिमांड चल चुकी थी और एक ऑटोनॉमी बनाने की बात करी थी। नाउ मूविंग अहेड, एज वी डिस्कस, इस रीजन को अटसक बोलते हैं अर्मेनिया के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे अर्मेनिया की एथनिक पॉपुलेशन जो माइनॉरिटी अज़ेरी वो यहाँ पे रहती है, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ना वो लैंडलॉक है, माउंटेन एंड फॉरेस्ट रीजन से पूरा का भरा हुआ है। नाउ उस एरिया में साउथ काकासस माउंटेन रीजन आते हैं, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द होल सी, ये ऑलमोस्ट टचिंग पॉइंट है टू द एशिया एंड द ईस्ट यूरोप। इफ वी सी द मैप्स ओवर हियर, यहाँ पे काकासस माउंटेन के रीजन्स है, जैसे यहाँ पे यूरल माउंटेन्स है तो यहाँ पे काकासस माउंटेन के रीजन है। नाउ व्हाट हैपेंड फर्दर, किस तरीके से मैपिंग है वो आपको बता दिया गया है कि ये जो काकासस रीजन है ये रफली आज का मॉडर्न डे ना उसको डिवाइड करता है, ठीक है, इसी के थिंग के अंदर आता है। नाउ ऑटोमन एम्पायर के अंदर जब था तब दोनों उसके पार्ट थे, देन USSR के पार्ट बन चुके, बट जैसे ही USSR ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने लगा उसी टाइम से, ऑलमोस्ट 1989 से ये बात छिड़ चुकी थी कि नगरो कारबाग जो रीजन है वो पार्ट होना चाहिए अर्मेनिया का, अजरबैजान का नहीं, और वहीं से ऑलमोस्ट वॉर्स कितने सारे बीच में हो चुके हैं। सो यू कैन सी, नाउ बात करते हैं सबसे पहला जब वॉर कब हुआ था।
सो अजरी एंड अर्मेनिया का सबसे पहला जो वॉर था दैट वॉज इफ 1991 में ये वॉर हुआ था, क्योंकि तभी यूएसएसआर टूट चुका था और दोनों अलग इंडिपेंडेंट हो गए थे. एंड अर्मेनिया चाहता था, और वहाँ के भी नगर कारबाग जो एनक्लेव है वहाँ के भी लोग चाहते थे कि वो अर्मेनिया के पार्ट बने. ठीक है, तो वहीं से पहला ब्रेकडाउन शुरू हुआ. सो वी कैन सी ओवर हियर कि जो बोल्शेविक थे उन्होंने ये पूरा एक्सपांड कर लिया था जैसे ही वो लोग टूटे. सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई. सो ऑलमोस्ट 1980s के बाद एंड 1988 के अंदर वोटिंग हुई थी, तब ये माना गया था, और तब से उसको ऑटोनॉमस रीजन दिया, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, नॉट दी अर्मेनिया. ठीक है ना, ऑलमोस्ट उस वार में 30,000 लोग मारे गए थे, और उसी के चलते कितने लोग आसपास की जगहों में भाग गए थे. ऑलमोस्ट दे फ्लू अवे फ्रॉम दैट रीजन बिकॉज ऑफ दी वॉर ट्रोल. अब होता क्या है, 1993 यहाँ पे रशिया जो पहले यूएसएसआर था उसी के अंदर आते थे, तो दे ट्राइड टू मेंटेन पीस क्योंकि उनके बॉर्डर पे डिस्प्यूटेड हो रहा है, तो उन्होंने पीस मनाने की कोशिश की, और उस वक्त से थोड़ी बहुत चीज़ें शांत हुई. नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो पीस टॉक है इसमें रशिया का सबसे ज़्यादा टेक है, बट बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व थी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप, वो एक मींस ग्रुप बनाता है, यही वो मींस ग्रुप है जो इवन वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी क्रीमिया वॉर के डिस्कशन के लिए. ठीक है, यूक्रेन एंड रशिया के बीच में. सो ये को चेयर किया था रशिया, यूएस एंड फ्रांस के द्वारा. ये ग्रुप कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहा था कि जो यरेवन लोग हैं और जो बाकू के उनकी डिमांड को. ठीक है, दे सेड के इस तरीके से ही रहेगा एंड पीस लेके मना के चले. बट अभी हाल फिलहाल में 2020 के अंदर सितंबर 2020 में जो वॉर हुआ तब ये मिंस ग्रुप ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो चुका था. ठीक है, अब देखा सबसे पहले वॉर हुआ था 1991 के अंदर. ठीक है, फिर शांत करने की कोशिश की, पर उस वक्त काफ़ी लोग मारे गए. अब सेकेंड टाइम चीज़ें इमर्ज होकर आती है ड्यूरिंग दी 2016. ठीक है, यहाँ पे 4 दिन का वॉर हुआ था, फिर अगेन रशिया इंटरप्टेड कि नहीं, सी रशिया का ज़्यादा अलायंस टाइप अर्मेनिया के साथ है. ठीक है, क्योंकि दोनों के कल्चर सिमिलरिटी सेम है, एंड अजरबैजान का जो कल्चर सिमिलरिटी है ना वो टर्की उन सब के साथ ज़्यादा है. सो टर्की इज़ सपोर्टिंग अजरबैजान, एंड रशिया दोनों के लिए मीडिएटर का काम करता है, पर ज़्यादा होल्ड उनका अर्मेनिया के साथ है. ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है. अभी हाल फिलहाल में जो वॉर भी हुआ था उसमें भी रशिया ने ही ट्राई किया था टू मेंटेन द पीस, पर वो हुआ, पर फिर से अगेन वॉर हो चुका, तो कहीं एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं दिखने वाला है. और अब ये जो अनाउंसमेंट हुई गई है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ अर्मेनिया एंड अजरबैजान, तो दिस मे बी अ चांस कि शायद शुरुआत हो इतने लॉन्ग डिकेड के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में. ठीक है ना, बात करते 2016 के वॉर की. सो ऑलमोस्ट क्लैश शुरू हो गया था, देन सी मॉस्को बीच में आया एंड शांत करवाने की कोशिश की, फिर से वापस से क्लैश सितंबर 2020 में इरप्ट हुआ. ये ऑलमोस्ट 6 वीक का वॉर था, नवंबर में जाके ये वॉर रोका गया था, एंड अगेन रशिया इंटरप्टेड इन बिटवीन. 2000 लोग मारे गए थे, फाइटिंग दोनों के बीच में बहुत ऑफेंसिव हो गई थी. यही वॉर था जो न्यूज़ में भी था कि ड्रोन का कैसे इस्तेमाल किया गया था एंड एवरीथिंग. सो बोथ पार्टी सीज फायर में एंटर हुए 2020 के अंदर, पर उसके बाद तुरंत टूट भी गई थी. अगेन छोटा मोटा चलता रहता है वहाँ पे क्लैश, बट थिंग इज देर इज़ नो फाइनल सॉल्यूशन. ये जो सीज फायर है वो फाइनल पीस डील की बात नहीं कर रहा है, जो चाहिए जो रिजोल्यूशन चाहिए उसकी बात नहीं कर रहा है. सो अभी करंट जो डिस्कशन है वो एक इनिशिएटिव लिया गया है, सो लेट्स सी किस तरीके से इमर्ज होता है. इवन यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट दे आर ऑल्सो बिन एंगेज के यहाँ पे फटाफट बॉर्डर सिक्योरिटी एंड डिलिमिटेशन हो तो बात हो और चीज़ों का सॉल्यूशन आए और ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो. बिकॉज यू कैन सी करंटली ईस्टर्न मेडिटेरियन या ईस्टर्न यूरोप का जो एरिया है वो हाल फिलहाल कहीं ना कहीं ग्रस्त पड़ा है कॉन्फ्लिक्ट से. सो यू कैन सी रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, एंड रिसेंट अर्मेनिया अजरबैजान तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी उस रीजन में क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स द रीज़न एवरीवन आर ट्राइंग के यहाँ पे डिस्कशन हो ना. बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ये यहाँ तक ही है. सो इफ़ यू नीड टू रीड अबाउट अर्मेनिया एंड अजरबैजान तो क्या है, एक तो मैपिंग देखो क्या चल रहा है वॉर और अभी करंट डिस्कशन में क्या है, आगे जाके कुछ जिसमें अपडेट आता है तो वो आप थ्रू द न्यूज़पेपर देख सकते हो ना. RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अभी RTI क्यों न्यूज़ में है वो समझो. रिसेंटली जो वेटरन्स थे इन दी आर्मी उन लोगों ने अपोज किया है गवर्नमेंट का मूव कि आर्मी को डिफेंस सर्विसेज को
आरटीआई से एग्जेम करना, और ये मूव को क्यों आना किया है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी फर्स्ट GS2 का ये टॉपिक है, आरटीआई है क्या, कहाँ से आया, कैसे आया, इज इट अ फंडामेंटल राइट और नॉट, ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम का, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ आरटीआई, एग्जेम्पशन अंडर दी आरटीआई है, क्या एनफोर्समेंट है, क्या एग्जेम्पशंस है, एंड सीआईसी जो मेजरली इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो देखता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेजरली ये जो इशू है पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, देन आई विल डिस्कस आरटीआई। नाउ इंडियन आर्मी फोर्स के जो वेटरन है उन्होंने पीएम को बोला कि आप जो ये स्टेप्स ले रहे हो ना उसके काफ़ी डिफ्लेक्टिंग इफेक्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक चीज़ बताई कि आरटीआई में अगर होता है आर्मी सर्विसेज जो है, तो इससे क्या होगा कि जो वेटरन्स हैं या आर्मी पर्सनल्स हैं वो देख सकते हैं पेंशन क्या है, किस तरीके से कुछ बदलाव है, एवरीथिंग थ्रू द इंफॉर्मेशन। सेकेंडली अगर कोई इंजर्ड है, ठीक है, तो मेडिकल बोर्ड को चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है, तो उनको जब तक वो आएगी नहीं आरटीआई के थ्रू से, दे हैव टू पुट डाउन इन्फॉर्मेशन, लेना पड़ेगा क्या है कैसे, तब मिलेगा, तब वो मेडिकल बोर्ड को सबमिट करेंगे, तब उनकी काफ़ी सारी चीज़ों को मदद आएगा। थर्ड के जो वीडियोज़ हैं या तो जो फैमिली है आर्मी पर्सनल्स के, वो आरटीआई के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों का मदद ले सकते हैं, एंड दे कैन गेट टू नो। प्लस ऑलरेडी हमारी जो सर्विसेज है, आर्मी सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, वो काफ़ी ओपैक मैनर में काम करती है। सो चीज़ें ऐसे ही बाहर नहीं है, और अगर इसको एग्जेम्प्ट कर दोगे आप ऑलरेडी जो चीज़ें उसको भी बाहर निकाल दोगे आरटीआई के बाहर, तो काफ़ी मुश्किली आ सकती है इन्हीं सभी वर्गों को, ठीक है। जैसे हम लोगों को थ्रू दिस कितनी बार काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है, बट आरटीआई के बाहर निकालने से काफ़ी सारी चीज़ें और इसको ओपेक कर देगी, इनका एक्सेस कम हो जाएगा। नाउ कैसे बाहर निकाल सकते हैं, सी सेक्शन 24 आरटीआई एक्ट का बताता है कि सरकार है जो ऐड कर सकती है, एक शेड्यूल है उसमें ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है या सब्स्टिट्यूट कर सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अंडर दी आरटीआई, ठीक है। तो उसी के पावर से सरकार के द्वारा कितनी सिक्योरिटी एजेंट्स को, एजेंसी को आरटीआई के बाहर रखा है, कोई उसके लिए आरटीआई फाइल नहीं कर सकता, भैया हमको ये इन्फॉर्मेशन दे दो, ये इन्फॉर्मेशन नहीं, दिस ऑर्गेनाइजेशन डजंट कम अंडर दी आरटीआई परव्यू। सो ये कम्प्लीटली पावर किसको दिया है, सेंटर को, ठीक है, शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल में डालने के लिए। सो कुछ भी नोटिफिकेशन होगा इस एक्ट, इस सेंक्शन के बेसिस पे होगा, ठीक है। अब हम समझते आरटीआई के बारे में। सी आरटीआई की मुनि बहुत काफ़ी अच्छी जगह से शुरुआत हुई थी। फॉर एग्जांपल राजस्थान की एक गांव थे, वहाँ से ये एजिटेशन शुरू हुआ था, एंड फाइनली जाके आरटीआई का एक एक्ट बना 2005 में, जिसके बेसिस पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बना है, जहाँ पे आप जाके अपील कर सकते हो, कुछ भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कुछ भी है तो आप उनके पास जा सकते हो। तो पूरा ढांचा आरटीआई के एक्ट के थ्रू बताया गया। आरटीआई क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट इनेबल किया है, जिससे सिटीजन अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू दी रूल्स एंड प्रोसीजर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है उसी की इन्फॉर्मेशन के लिए आरटीआई फाइल करा जा सकता है। अभी उसमें क्या बताता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फंक्शन करता है, कौन उसके अंदर ऑफिसर्स है, क्या उनकी पावर्स है, क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से। तो काफ़ी सारी चीज़ आरटीआई के थ्रू बाहर आई है, कि कितने स्कैम्स भी बाहर आए। सो पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या है, बेसिकली सेल्फ गवर्न इस्टेब्लिश बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली और बाई दी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री है, सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये सभी उसके अंदर आता है, या ऐसी संस्था जो सरकार के द्वारा फाइनेंशियली फंडेड की हो, पार्शली या फुल्ली। बात करते हैं आगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया है, जिससे एक कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन, इफ इट इज अ सिटीजन राइट टू गेट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बट इन अ स्ट्रक्चर मैनर, इन अ कम्प्लीटली वहाँ पे सेक्शंस दिए गए कि कौन सी चीज़ में दे सकते हैं, कौन सी चीज़ों में नहीं दे सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या नहीं है। सो हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले सुओ मोटो डिस्क्लोजर, इस आरटीआई के द्वारा ये बोल दिया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम सिटीजन हैव टू फाइल आरटीआई टू गेट द इन्फॉर्मेशन, व्हाई नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, द पब्लिक अथॉरिटी इटसेल्फ पुट डाउन द इन्फॉर्मेशन ऑन द पब्लिक साइट्स, ऑन देयर वेबसाइट्स, सो इजी एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो सुओ मोटोली डिस्क्लोजर करो, अवेलेबल रहना चाहिए,
एंड अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो सिटीजन की रिक्वेस्ट में हो तो वहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स रखो. देन उन्होंने बोला किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जा सकते, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, एनीथिंग, सभी चीज़ की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए. तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल एनी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन को उसके रूल्स रेगुलेशन जानने, वो RTI फाइल कर सकते हैं. इससे वो अवेयर होगा, एक ट्रांसपेरेंसी होगी कि इस तरीके से काम कर रहा है. अगर कोई पर्सन उसी ऑर्गेनाइजेशन का करप्ट या ब्राइब मांगने की कोशिश कर रहा है तो अकाउंटेबिलिटी थ्रू दिस ला सकते हैं. ठीक है, नाउ बात करते हैं, इज RTI अ फंडामेंटल राइट और नॉट. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज द फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो बोल रहा है. ठीक है, पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आर्टिकल 19 में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है राइट टू इंफॉर्मेशन. ये इम्प्लिसिटली हम समझ रहे हैं, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. सो RTI जो है वो आता आपके इम्प्लिसिटली है, एक्सप्लिसिटली नहीं है. तो अगर स्टेटमेंट में एक्सप्लिसिटली लिखा हो देन इट्स रॉन्ग. ठीक है, सो इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. बट येस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इम्प्लिसिटली हमारा संविधान ये बोलना चाहता है. नाउ बात करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ RTI, किस तरीके से RTI का काम शुरू होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड, तो आप जाके फॉर्म भरोगे, वहाँ पे PIOs होगे उनके पास, वो आपको इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज उनको प्रोवाइड करना होता है. अगर नहीं होता है, कुछ भी होता है, देन यू कैन अपील उनके ऊपर. फिर भी नहीं होता है तो इनकी अपील जाती है टू दी CIC या तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को. ठीक है, यहाँ पे अपील जाएगी एंड फाइनली ये एंटरटेन करेंगे. नाउ SIC एंड CIC आर दी स्टैचुटरी बॉडी क्रिएटेड फ्रॉम द RTI एक्ट 2005. सी एग्जेम्पशंस, मैंने क्या बोला था, सिक्योरिटी एजेंसी इन सबको एग्जेम्प्ट करके रखा गया है सेक्शन 24 का यूज करके, जहाँ पे सरकार को पावर दिया है टू एड रिमूव और रिमूव द ऑर्गेनाइजेशन, एड द ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग इन द सेकेंड शेड्यूल. नाउ यू कैन सी 26 इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी अंडर इट एंड कैबिनेट सेक्रेटरियट भी है, BSF भी, NSG, इन सबको भी डाल दिया है. अब सेक्शन 8 बताता है कि पब्लिक अथॉरिटीज के कौन इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे नहीं दिया जा सकता है. सेक्शन 8 कम्प्लीटली बताता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज आप उनसे इंफॉर्मेशन लोगे मिलेगा, बट अगर इस टॉपिक्स के आसपास का इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं मिलेगा. द टॉपिक्स आर नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को इम्पैक्ट कर सके, ऐसे इन्फॉर्मेशन है तो नहीं मिलेगा. किसी फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन बिगड़े, नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे हो, लॉ एनफोर्समेंट जुडिशियल प्रोसेस हो, कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया उसकी आप RTI फाइल करो तो नहीं मिलेगा. ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो नहीं मिलेगा. इंडिविजुअल सेफ्टी, पर्सनल प्राइवेसी, इन सब के आसपास पे आपको RTI के इंफॉर्मेशन ही मिलेगी पब्लिक अथॉरिटीज के, उसके अलावा के आपको मिल सकते हैं. नाउ एक और चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये बनी थी RTI के द्वारा. इनका काम क्या है, जो भी अपील से उनको एंटरटेन करना कि सही है नहीं है क्या है. सो एक चीफ होगा और 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे. ये अपॉइंट किए जाएंगे वाया प्रेसिडेंट थ्रू अ कमिटी, एक कमिटी बनी होगी जिसके द्वारा, जिसमें PM होंगे, देन लोकसभा के अपोजिशन लीडर होंगे एंड एक यूनियन मिनिस्टर होंगे जो PM के द्वारा नियुक्त किए होंगे. ठीक है, नॉमिनेट किए होंगे. ये लोग सिलेक्शन कमेटी है जो सिलेक्ट करते हैं इन ऑफिसर्स को एंड रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है. ठीक है, हाल फिलहाल में CIC जो बॉडी है उसको माना जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है. राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वोट आर बोथ इक्वली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो जैसे इलेक्शन कमीशन इतनी इंपॉर्टेंट है, CIC भी इम्पॉर्टेंट है. पर हाल फिलहाल में सरकार के एक अमेंडमेंट, जो रिसेंटली एक अमेंडमेंट 2019 के पास आया था, उन्होंने CIC के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस करी गई और माना जाता है उस अमेंडमेंट से ये बॉडी जिस तरीके से काम करनी चाहिए वो नहीं रहेगी, इंटरफेरेंस रहेगा. यहाँ पे क्या बोल दिया है कि इन सब का जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी देते हैं वही हटाने की बात की. सैलरी एंड टेन्योर सरकार न्यू फिक्स करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट. सैलरी एंड टेन्योर ऑफ द पीरियड, कितना पीरियड का टेन्योर होना चाहिए. एज तो फिक्स है 65, यहाँ टेन्योर की बात चल रही है. सो यू आर क्लियर विद इट. अब CIC के पास पावर क्या है, कि सुओ मोटो से भी एक्ट कर सकती है,
क्या किसी ने कंप्लेन की हो कि भैया नहीं हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ज़्यादा रुपए लगा दिए, गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, उन सब पे पीआई जहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है वहाँ पे बोले गए लगाओ, किस तरीके से कैटेगरी में इन्फॉर्मेशन रखना है, कोई इनकी बात नहीं सुनता है, तो उनको भी ये पेनल्टी लगा सकते हैं। तो ये सीआईसी की पूरी पावर है। नाउ मूविंग अहेड विद द टॉपिक, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वॉज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग नेगोसिएशन फ्रॉम 2013 एंड 2015 बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सी ये ना काफ़ी पुराने जो करंट अफेयर्स होते हैं जो बीच में किसी बात से न्यूज़ में आ जाते हैं तो इसके क्वेश्चन इमर्ज होते हैं। सो थिंग इज कि ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था और ये बहुत पुराना भी है टॉपिक, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सो आपको बताना है कि कौन सी इसमें कंट्रीज नहीं है और है, ये आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है क्या इसका आंसर है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो कौन सी है वही आपको बताना है। पढ़िए एक बार और देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर दी पार्ट ऑफ जे सी पी ओ ए, इसको जेकोपा भी बोला जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कब था क्या था वो नहीं बताने पर एटलीस्ट कंट्रीज बता दो कमेंट सेक्शन में, सोचिए। सी ये जो बॉडी बनी है ये नेगोशिएशन थी पीस डील की, न्यूक्लियर पीस डील बेसिकली विथ ईरान, एंड यूएनएससी के जो 5 मेंबर है वो एंड यू, ठीक है। सो आंसर में जापान को हटा दो, जापान को हटा दो, यू विल गेट दी आंसर। सो आंसर इज सी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है वो बेस्टली, कौन से स्टेटमेंट अमॉन्ग द बिलो आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। बेस्ट डिस्क्राइब करना है, ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ब्रिक्स। सी पहला स्टेटमेंट क्या है, अ ग्रुप ऑफ 5 इंडस्ट्रियलाइज नेशन, 5 इंडस्ट्रियलाइज नेशन, ये डेवलप कंट्रीज की बात चल रही है, तो ब्रिक्स का जो एक्रोनिम है उसमें जो कंट्रीज है क्या वो डेवलप है। सेकेंड अ ग्रुप ऑफ 5 न्यूक्लियर पावर्स। सी अ ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, एंड क्या ये जो ग्रुप है उसके अंदर सभी के पास न्यूक्लियर है वो एक क्वेश्चन की बात है। अ ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग यूएनएससी मेंबर फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, क्या इसमें से सभी के सभी यूएनएससी के मेंबर है, ठीक है। सो बेस्टली डिस्क्राइब अगर करें तो ये 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज है बेसिकली, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब ने मिलके एक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, प्रॉपरली सेक्रेटरियट भी है इसका, स्ट्रक्चर वे में है। सो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है जो आज इमर्ज होके आ रही है, और बोला जाता है कि आने वाला टाइम इन्हीं इमर्जिंग इकोनॉमीज का होगा, इसलिए उसके बेसिस पे ये ब्रिक की शुरुआत हुई थी। ना
मूविंग अहेड, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. बेसिकली जर्नेल सिंह का एक जजमेंट था जो बताता है कि ये क्रिटिकल टर्न है, ये जो जजमेंट है ये क्रिटिकल टर्न है इन दी ज्यूरिप्रूडेंस ऑफ रिजर्वेशन. अभी तक जितनी भी जजमेंट्स हुई है उसके अंदर ये जजमेंट एक टर्न मारता है क्रिटिकली, और किस तरीके से रिजर्वेशन का ज्यूरिप्रूडेंस अब देखा जा रहा है. बेसिकली ये टॉपिक हमेशा काफ़ी चर्चित में रहा है कि किस तरीके से रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है, कैसे है, क्या है, वो हम सब समझेंगे. सो ये पूरा का पूरा GS2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस के अंदर आता है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के भी अंदर पार्ट आता है. सो यू कैन सी रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे आम्बेडकर जी बोलते हैं, इक्वलिटी मे बी अ फिक्शन बट नॉनथलेस वन मस्ट एक्सेप्ट इट इज़ अ गवर्निंग प्रिंसिपल. ठीक है, ये गवर्निंग प्रिंसिपल. नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दी एथ्रोसिटीज वी कैन से और ऑल दी इनजस्टिस बिन सफर बाय द डिप्रेस क्लासेस, इट वॉज एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, जब संविधान बना रहे थे तब ये चीज़ लगी गई कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ये कास्ट सिस्टम इन सबसे उभर के एक जस्टिस प्रोवाइड करे. सो इक्वलिटी प्लेटफॉर्म लाने के लिए हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 15 जो बोलता है कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंटली आर्टिकल 16 जो बोलता है कि सबको इक्वली एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए. उसी आर्टिकल के अंदर कहा गया है उसके सेक्शंस के अंदर कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई ऐसे क्लासेस है जो सोशली एंड बैकवर्ड है, सोशली एंड मतलब एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, उनके डेवलपमेंट, उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशन या एनी ऑफ द एक्शन इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. ये संविधान में दिया गया है और उसी के बेसिस में शुरुआत इन चीज़ों की होती है. सो सबसे पहले जब बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन बनाया गया था, किलकर कमीशन, बट उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें उभर के नहीं आई. देन अगेन सेकेंड कमीशन बनाया जिसे बोलते हैं बहुत फेमस कमीशन, बीपी मंडल, और यहीं से मंडल केस की भी शुरुआत हो जाती है. ठीक है, सो आर्टिकल 60 क्या बोलता है, इक्वलिटी सबकी होनी चाहिए. उसमें कंडीशन रखी है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, तो उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए वी कैन प्रोवाइड सर्टेन रिजर्वेशन इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. और उसी बेसिस पे बीपी मंडल कमीशन बना गया था. अब ये जो बीपी मंडल कमीशन था ये बना गया था मोराई देसाई की सरकार के टाइम पे, 1978-9 के पास में ये बना गया था. बट व्हाट हैपेंड, सरकार गिर गई तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिला इनके रिकमेंडेशन के ऊपर एक्ट करने के लिए. पर ये रिकमेंडेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सभी सरकार ने इसको करने की कोशिश की थी पर हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस. बट यहाँ से इनके रिकमेंडेशंस को हम समझते हैं कि इन्होंने बोला था 27% जितना अदर बैकवर्ड क्लास को मिलना चाहिए रिजर्वेशन इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एजुकेशन ऑल्सो. ठीक है, इसी रिकमेंडेशन में एक और चीज़ बात की थी कि 10% उन जनरल लोगों को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो वो भी मिलना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया. अब जो ST एंड SC के लिए जो रिजर्वेशन की लिमिट थी उससे कहीं ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये थोड़ी कहीं ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये लिमिट रखी गई है. ठीक है, नाउ VP सिंह की सरकार आती है, इन्होंने बीपी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को अपनाए एंड फाइनली एक क्लॉज के अंदर OBC को जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उन लोगों को रिजर्वेशन पहुंचाया थ्रू दिस. ठीक है, बट इधर से ही जाती है बातें आगे, अब वो हम समझते कहाँ जाती है. यहाँ से जाता है एक और फेमस केस जिसको बोलते हैं 1992 मंडल केस, या तो इंदिरा साहनी केस. ठीक है, अब ये मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन सरकार के द्वारा अपनाई और वीपी सिंह ने इनको एक्ट किया, बनाया गया, इस केस के अंदर गया पेटिशन एंड बोला कि ये एक तो जो लिमिट है वो ज़्यादा है उसके बेसिस पे. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सरकार ने इसमें किया गया है ठीक है सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ओके 27% सुप्रीम कोर्ट ने बोला होना चाहिए रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लास का, और बोला कि अब कोई भी रिजर्वेशन 50% हो चुका है उससे ऊपर जाना नहीं चाहिए, ये लिमिट सेट कर दी. ये भी बोला कि जो क्रीमी पीपल है, मतलब दोज पीपल हु आर वेरी हाईली स्टैंडर्डाइज, वो बैकवर्ड नहीं है,
ठीक है, भले उनका कास्ट बैकवर्ड का हो पर उनकी लाइफ अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो काफ़ी उभर के आ चुके, ऑलरेडी जॉब सर्विसेज में है, काफ़ी एम्पावर्ड है, उन लोगों को रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला जाएगा। ये क्रीमी लेयर्स को हटाने की बात की। ये भी बोला इस जजमेंट के अंदर कि सपोज जैसे हमने रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन सिर्फ एंट्री लेवल पे होना चाहिए, सबको वहाँ पे वहाँ ही रिजर्वेशन मिलेगा, नॉट इन दी प्रमोशन। ये भी इंदिरा साहनी के जजमेंट में बोला गया, नॉट इन दी प्रमोशन, सिर्फ बोला एंट्री लेवल, जैसे ये जॉब्स है इसके ऊपर आपने रिजर्वेशन रख दिया ठीक है, बट वहाँ से आगे आपका प्रमोशन होता है उसमें रिजर्वेशन नहीं रहेगा, ऐसा कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बोलना था। और ये भी बोला कि ये जो 50% है ना, इसमें अगर कहीं बैकलॉग्स हो जाते हैं कि भैया 50% पूरे नहीं हो पा रहे तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो अलग तरीके से, नहीं, टोटल ही 50 गिने जाएंगे और हर साल उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ऑन द फेमस पीपी मंडल केस भी बोला जाता है, या तो इंदिरा साहनी केस भी बोला जाता है। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, सरकार ने तो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को अपना के ये चीज़ें कर दी। हाँ, इंदिरा साहनी केस में ये भी बोला गया कि ये जो 10% इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस्ड कास्ट को आप दे रहे हो ना, ये नहीं रहेगा, ये हटाओ, सिर्फ ओबीसी वाला 27% ही एक्सेप्ट किया था। अब इतना सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, अब पावर कहाँ है लॉ बनाने का, सरकार के पास। सरकार ने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और एक आर्टिकल डाला, इंसर्ट किया उसमें, ठीक है, ये आर्टिकल्स इंसर्ट किए। यहाँ पे क्या बोला है कि 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिलेगा इधर, और क्या बोला कि रिजर्वेशन सरकार ने संविधान के अंदर बदलाव करके क्या बोल दिया, रिजर्वेशन रहेगा प्रमोशन पे। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में क्लियरली मना करा था कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं रहेगा, बट यहाँ पे सरकार ने संविधान के अंदर चेंज करके बोला कि रिजर्वेशन प्रमोशन में रहेगा। उनका ये कारण था बोलने का कि अगर हम एंट्री लेवल पे दे देते हैं, पर इट हैज़ बीन सीन कि उनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हायर लेवल पे होता ही नहीं है, तो वहीं की वही चीज़ रह जाएगी, इसलिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए, ऐसा कहना था। दूसरा, सरकार ने इसमें एक और चीज़ अमेंड की कि यह जो कैरी फॉरवर्ड का बोला था ना कि वो अलग से गिना जाएगा, वो भी इसमें डाल दिया। तो कहीं ना कहीं और भी आगे अमेंडमेंट्स आए थे। एक और अमेंडमेंट थी जिसमें सरकार ने, इसके अंदर ये भी बताया गया कि ये जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का केस वापस से गया था, एंड उसमें उन्होंने बोला ठीक है, तो बोला कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के ऊपर नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। यहाँ पे क्या बोल दिया सरकार ने चेंज करके कि नहीं, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी बेस रहेगा। अब ये क्या है वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये अदर बैकवर्ड क्लास से, ये कोई नॉर्मल, ठीक है, जनरल क्लास से है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली आई एम एक्सप्लेनिंग यू किस तरीके से कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वर्क करता है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों का प्रमोशन होने वाला है, बट इनका हो जाता है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, ये इनसे पहले ज्वाइन हुए थे, ये इनसे पहले ज्वाइन हुए थे बी, पर इनका प्रमोशन इनसे पहले आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन, एंड इनके बाद इनका प्रमोशन होगा, पर उस वक्त पे सीनियर इन्हें नहीं, इन्हें कहा जाएगा, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी बोला गया कि जिसका रिजर्वेशन के बेसिस पे होगा, चाहे बाद में हो, मतलब वो बाद में जुड़े हो, पर उनका प्रमोशन गिना जाएगा। सो ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का उसमें चीज डाली गई थी। ये और अमेंडमेंट सरकार ने संविधान के अंदर कर दिया था। अब इसी सभी सारे चेंजेस के बेसिस में एक और जजमेंट आई थी जिसे बोलते हैं नागराज, एम नागराज केस, एम नागराज केस 2006 में आई थी। अब ये जो एम नागराज केस है उसमें क्या हुआ, ये जो सरकार, देखो अगेन टाइमलाइन हम समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान में दिया गया था इसलिए मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस 1980 में थे पर सरकार थी नहीं, घिर चुकी थी, फिर 1990 के अंदर उससे वीपी सिंह की सरकार के द्वारा किया गया था, एंड 1992 में यही मंडल के जो रिकमेंडेशंस को सरकार ने डाला उसी पे ही इंदिरा साहनी केस हुआ था, जहाँ पे बोल दिया था
कि भैया 27% रहेगा, 10% वाला नहीं रहेगा, जो आज ई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है वो उस वक्त मना ही कर दिया था जो 10% डाला गया था. फिर बोला गया था कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है. एंड टोटल 50% से ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इतना बता दिया गया था, ठीक है. अब इसी के बाद सरकार के द्वारा 77 अमेंडमेंट किया जाता है, जिसमें इंसर्ट किया गया और बोला गया भैया रिजर्वेशन रहेगा, प्रमोशन में रहेगा. फिर बोला गया प्रमोशन में भी नहीं, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाले प्रमोशन के बेसिस पे रहेगा, ठीक है. एंड यहाँ पे वो 50% की जो लिमिट बोली गई थी वो तमिलनाडु के लिए 60% जो है, 65% जो है वो 9th शेड्यूल में डाली गई थी, वो भी चेंज किया गया. एंड यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का भी रूल डाल दिया गया था. अब ये 77 में हुआ. उसके बाद इसी के जो रिकमेंडेशंस और ये सारे संविधान में चेंज हुए, उसी में केस हुआ एम नागराज केस. अब इस केस में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ठीक है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है वो सही है, बट ये तभी अचीव होगा विथ फॉलोइंग प्री कंडीशन आप पूरी करो तो. देखो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्मार्ट है कि पता है हम जो भी बोले कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट कर देते, ठीक है लेट मी ब्रिंग द न्यू सॉल्यूशन फॉर दिस गेम. यही चीज़ बहुत पहले भी हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलती थी एंड जो गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो सारी चीज़ें को हटाने की कोशिश करती थी. एंड देन दे स्टार्ट विथ, जब केशवानंद भारती केस हुआ था और दे फिगर आउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी स्मार्ट सुप्रीम कोर्ट यूज टू प्ले नाउ, बट फॉलोइंग बाय द कंडीशन. क्या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कंडीशन दिया, सबसे पहला कंडीशन दिया कि पहली चीज आपको बताना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन द क्वेश्चन. सेकेंड, बैकवर्डनेस है, क्या है, क्यों नहीं है, कैसे है, उसका भी बताओ कंडीशन. थर्ड एंड बोला गया जो भी है अगर आप देते हो, पर ये माइंड में रखना कि ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सही से वर्क ना हो, ऐसा कंडीशन ना खड़ी हो, माल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो जाए. जो एक्चुअल में मेरिट कैंडिडेट है, चाहे आप रिजर्वेशन दे रहे हो पर वो मेरिटफुल है, काम कर सके, उसी बंदे को बिठाना. ये तीन कंडीशन दी गई थी. एक तो कि आपका रिप्रेजेंटेशन कितना है बैकवर्ड क्लासेस का. सेकेंड के क्वेश्चन अबाउट दी बैकवर्डनेस ऑफ देम वो बताना पड़ेगा कंडीशन. एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये एम नागराज के केस के बाद क्या हुआ कि सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो पा रही थी बिकॉज ये जो कंडीशंस थी. और इसी पे एक और पेटिशंस फाइल की गई थी जहाँ पे आ जाता है हमारा जर्नेल सिंह का जजमेंट. इसमें एक और चीज़ बोली थी यहाँ पे एम नागराज जजमेंट में, ये भी बोला गया था कि द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है उनके क्रीमी लेयर्स को भी सरकार के द्वारा नहीं रिजर्वेशन देना चाहिए, ये बोला गया था. अब इसी की शुरुआत आगे कैसे होती, यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर हो. सी मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन मैन इट वॉज फॉर्म बाई 1979 बाई जनता पार्टी, 1980 में रिकमेंडेशन दिए थे. 77 कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के थ्रू चेंज हुआ था. दिस इज द एम नागराज, इनएडिक्वेसी इन द रिप्रेजेंटेशन, बैकवर्डनेस कैसे है एंड एफिशिएंसी बिगड़नी नहीं चाहिए, क्वान्टिफाइबल डेटा बताने पड़ेंगे. नाउ कमिंग विद दी जर्नेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018. यहाँ पे जो नागराज एम नागराज का जो केस था उसके बाद सरकार के द्वारा क्वान्टिफाइबल डेटा की जो डिमांड थी वो हो नहीं पा रहा था, उसी के बेसिस पे ये था. कोर्ट ने बोला ठीक है ये जो दो कंडीशन हमने आगे की बोली उसे जाने दो, वो नहीं होता, ठीक है, बट माल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, मेरिट बेस पे हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. सो कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया आर्ग्यूमेंट कि दे ऑटोमेटिकली इम्प्लाई करता है दे आर बैकवर्ड. अगर प्रेसिडेंट के द्वारा बोल दिया गया कि ये कोई ट्राइब शेड्यूल ट्राइब है, लिस्ट में आ गया या कोई शेड्यूल कास्ट के अंदर आ चुका है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड हो गए. उसके लिए आपको क्वान्टिफाइबल डेटा बताने की ज़रूरत नहीं है. ये जर्नेल सिंह जजमेंट में बोला था क्लियरली. उसमें क्या था, आपको बताना पड़ेगा. यहाँ पे बोल दिया कि प्रेसिडेंट के द्वारा अगर लिस्ट में डाल दिया है देन यू डोंट नीड टू प्रोवाइड दैट, क्लियर. अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नागराज की ये चीज़ को साय रखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का ये अप्लाई रहेगा एस सी एस टी में.
यही टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे आगे जब आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी चीज़ बोली गई थी दैट रिजर्वेशन इज नॉट द फंडामेंटल राइट, ठीक है, इट इज जस्ट द इनेबलिंग प्रोविजन। ये सरकार के ऊपर है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो करना, इट इज नॉट एनी वन फंडामेंटल राइट। नाउ मूविंग अहेड, 103 अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद हुआ था जो फेमस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS 10% के लिए माना जाता है टू गेट दी जॉब्स एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी ये भी सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल में चैलेंज में है, सो लेट्स सी क्या आता है उसके ऊपर। बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जब 10% दिया गया तो ये खुद माना गया था कि ट्रेडिशनल जो हम देखते थे कास्ट बेसिस को, उसे हटा के हमने मॉडर्न चीज़ों को लिया, कंसिडर किया गया। यू कैन सी ओवर हियर 1951 सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 9 शेड्यूल बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त सरकार को लैंड रिफॉर्म्स करना था और वो लैंड रिफॉर्म्स के बेसिस पे क्लैश हो रहा था फंडामेंटल राइट्स से, तो ये 9 शेड्यूल बनाया और उसमें जुडिशियल स्कोप ऑफ रिव्यू को हटा दिया था ये 9 शेड्यूल से। एंड फिर वही केस बाद में होता है आई आर कोलियो केस, और उसमें जाके रिव्यू थ्रू दी केशवानंद जजमेंट के बेसिस पर डाल दिया गया था। देन 7th अमेंडमेंट जहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का डाला गया था, 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, प्रीएम्बल में 2 वर्ड्स ऐड किए थे, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी हटाई गया था फंडामेंटल राइट से, नाउ इट्स अ लीगल राइट। देन 1985-52 द फेमस एंटी डिफेक्शन लॉ आया गया था। 61 में वोटिंग एज बढ़ा दी थी, मतलब 21 से 18 कर दी थी, ठीक है। देन 73rd-74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज लाता है। फिर 86th अमेंडमेंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू 6-14 RTE की शुरुआत, ठीक है। देन 2016 के अंदर आ जाता है GST 100 एंड 2009 में EWS की शुरुआत होती है। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस अमेंडमेंट एक्ट। आपको यही क्वेश्चन मेंस में लिखना आता है ना। मूविंग अहेड एक और केस उसके बाद आता है, दैट इज डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर। ये महाराष्ट्र का केस है जिसपे क्या बोला गया, डिस्पाइट द इंदिरा साहनी रूलिंग अटेम्प्ट्स कितनी बार स्टेट के द्वारा किए गए हैं रिजर्वेशन कवरेज को बढ़ाने की थ्रू द डिमांड ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये लोग स्टेट्स के गवर्नमेंट ये करने की सारी टेक्टिक्स करने की करती है, महाराष्ट्र की बैकवर्ड के महाराष्ट्र के जो लोग हैं मराठी, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करा है और बोला है कि जो इंदिरा साहनी ने बोला गया था, ठीक है, कि सेक्शन 41 ए सेक्शन 14B जो प्रोवाइड करता है 12% रिजर्वेशन मराठी को, ये नहीं होगा, ये हटाने की बात भी की गई। और ये केस रिफर किया है 5 जजेस को टू डिसाइड वेदर ये जो जजमेंट हुआ है इसको फर्दर रीलुक करना पड़ेगा इंदिरा साहनी, इसे ही बोलते हैं ज्यूरी प्रूडेंस ऑफ द रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो कहीं ना कहीं जजमेंट ये भी बोलना चाह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस रिजर्वेशन टेक्टिक्स, दे आर बीन यूजिंग इट, ठीक है, और वो अपने वोट बैंक्स के लिए कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग आउट मोर रिजर्वेशन, व्हाई नॉट वी फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, प्रॉपर स्कूल्स कॉलेजेस, वहाँ पे करो, इक्वालिटी लाओ, ठीक है, जहाँ ज़रूरत है रिजर्वेशन वहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये बोलने की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात चल रही है दैट देर आर पीपल हु एक्चुअली रिक्वायर्ड द रिजर्वेशन पर उन्हें मिल ही नहीं रहा फ़ायदा उसका, एंड दोज दे आर हाईली वेल क्लासिफाइड, उन लोगों को रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की जो टैक्टिक्स कर रही है वो गलत है। सो दैट वॉज इट द होल टॉपिक ऑफ द रिजर्वेशन ज्यूरिप्रूडेंस, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स सी अभी नई 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने वाली है टू सी द इंदिरा साहनी 1992 के जजमेंट को रीलुक वापस से करने के लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, बारिश की शुरुआत, ऐसे भी वी गॉट द फर्स्ट सेकेंड शावर रिसेंटली, ठीक है। यहाँ पे IMD ने बोला कि इस बार बारिश थोड़ी जल्दी आई है, रेदर देन 1 जून जो नॉर्मल डेट होता है उससे थोड़ी सी जल्दी 3 दिन पहले आ चुकी है। सो IMD के द्वारा दिस इज ओनली द 4th टाइम कि जब मॉनसून नॉर्मल डेट से आगे आई है, 2010-13 एंड 19 इस तरीके की डेट्स थी जहाँ पे मॉनसून आगे आई है। एक डेट एक टाइम पीरियड था जहाँ पे मॉनसून पीछे भी लेट भी आया है थोड़ा 1-2 वीक लेट, तो हम समझे कि पहले तो कि
मानसून आता कैसे है, ठीक है, कौन मानसून इंडियन मानसून के दोस्त है एंड कौन इंडियन मानसून के अनप्रिडिक्टेबल दोस्त है, मतलब फ्रेंड्स नहीं है, इतने काम के नहीं है, पर जो श्योर श्योर फेथफुल फ्रेंड्स है वो कौन से है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. सो वॉट डज द ऑनसेट ऑफ मानसून मीन, इज इट द अनयूजल फॉर द मानसून टू हिट द केरला कोस्ट अर्ली, वॉट इज मानसून, कॉजेज क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, इश्यू क्या है, वो हम सभी धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं. ना ठीक, अभी जो IMD है उनके द्वारा एक मेथड यूज कर रहे हैं जिसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज एवरेज प्रिडिक्शन मेथड, जहां पे हर महीने एवरी मंथ एंड द होल सीजन ऑफ मॉनसून जहाँ से स्टार्ट होता है उसके डेटा के बेसिस पे सब कुछ कैलकुलेट किया जाएगा. अभी इंडिया में मॉनसून आने के लिए जो अच्छे दोस्त होते हैं उसमें से एक अच्छा दोस्त है मस्करीन हाई, ठीक है. मस्करीन हाई जो है ऑलमोस्ट आपके जैसे दिस इज ओवर इंडिया ओवर यह, ठीक है, यहाँ पे मस्करीन हाई है, ऑलमोस्ट आता है 25 to 35 डिग्री साउथ में, और ये पड़ता कुछ है 50 to 65 नियर बाय ईस्ट लॉन्जिट्यूड के अंदर, ठीक है. सो नीचे आता है, यहाँ से क्या होता है, किस तरीके से बारिश आती है. अभी देखो ITCZ, जो ITCZ आपके प्रेशर सिस्टम्स के अंदर, वो उस वक्त गर्मियों के टाइप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बेसिस पे जो ITCZ बनता है, ठीक है, वो यहाँ पर होते हैं गर्मियों के टाइम, और यहाँ पे होने के वजह से यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा आती है और हीटिंग लैंड जल्दी हीट होता है कंपेयर टू वाटर, याद रखना. तो लैंड जल्दी हीट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लैंड हीट हुआ उसके ऊपर की जो हवा होगी वो हीट हो जाएगी तो वो एक्सपांड होगी, इसे बनाती है लो प्रेशर, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेगा. अब पानी कम जल्दी ठंडा होता, मतलब कम जल्दी गर्म होता है, बहुत ठंडा रहता है, उसको गर्म होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो ये यहाँ पे क्या इतना पानी गर्म नहीं हुआ इतना, तो ये मस्करीन हाई प्रेशर क्रिएट करता है. अब इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर के वजह से यहाँ से विंड्स निकलनी शुरू करती है, ठीक है. अब ये विंड्स नीचे साउथ बॉर्डर के इक्वेटर के नीचे साउथ में है, तो ये विंड्स जाएगी कैसे वो देखो. हम बोलते हैं कि हमारा बारिश आता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून आता है तब हमें बारिश मिलती है, साउथ वेस्ट विंड्स जो होती है वो बारिश लेकर आती है. अब ये जो मस्करीन हाई है यहाँ से हवा तो यूं जा रही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बेसिकली हवा तो यूं जा रही है, तो हम ये कैसे मिलेगी इंडिया में, तो माना जाता है कि बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अप्लाई होता है, तो ये यहाँ पे इसको यू कोरियोलिसिस फोर्स के वजह से टर्न आउट कर देता है और यहाँ से ये साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है, जिसकी एक ब्रांच जाती है बे ऑफ बंगाल में, एक ब्रांच जाती है अरेबियन सी में, ठीक है. सो ये बहुत रिलायबल फ्रेंड है, मस्करीन हाई हो तो हमारे यहाँ पे अच्छी बारिश होगी, ये फेथफुल फ्रेंड है, ठीक है. नाउ सेकेंडली जो अनप्रिडिक्टेबल फ्रेंड जिसे हम बोलते हैं वो है जो अनप्रिडिक्टेबल फ्रेंड है वो है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. अब हम उसे समझते हैं वो कैसे वर्क करता है. नाउ हियर इज द ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे आ जाता है साउथ अमेरिका द पेरुवियन कोस्ट, ये यहाँ पे सेंट्रल पैसिफिक पूल होता है. नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल है यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है और इसके हीटिंग के वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है. लो प्रेशर क्रिएट होने के वजह से यहाँ पे एक सर्कुलेशन बन जाता है जिसे बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन. ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा हवा और ये फिर यूँ आगे जाएगा, यहाँ बारिश करेगा, बाकी की विंड यूँ जाएगी, ठीक है, वो हवा को नीचे डालेगी जिसके वजह से यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे इतना गर्म नहीं होता पानी. अब ये हाई प्रेशर के वजह से पानी क्या करेगा, हवा यूँ जाएगी इधर, ठीक है. सो ये जो पानी है इसका अपवेलिंग इधर होगा, तो यहाँ पे फिशिंग जोन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है. एंड बिकॉज हाई प्रेशर है
तो कोल्ड विंड भी यहाँ से पास हो रही है, अपवेलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डेजर्ट भी दिखेगा पास में. सो यहाँ पे बारिश कंडीशन नहीं होती बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर. यहाँ पे बारिश कंडीशन होती है तो यहाँ पे अच्छा रेनी सीजन होता है और यहाँ पे अच्छी क्रॉपिंग पैटर्न हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में. अब इसी वॉकर सर्कुलेशन का एक और पार्ट जाता है आपके इंडिया में. सो जब यहाँ पे नॉर्मल वे में फंक्शन कर रहा है, एल नीनो ऑस्ट्रेलेशन नहीं है, तो इंडिया में मॉनसून बहुत अच्छा आता है, ठीक है. बट चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाती है. एल नीनो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे पता चला कि वेस्टर्न पैसिफिक पूल सडनली यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे हीटिंग हो रही है हमारे पेरिवियन कोस्ट के पास. यहाँ पे इस एरिया में ही लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बारिश होने लग जाएगी और इधर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. इसे ही बोलते हैं रिवर्सल ऑफ वॉकर सर्कुलेशन, एल नीनो सडन ऑसिलेशन. अब इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया विल फेस ड्रॉट कंडीशन एंड यहाँ पे बारिश की कंडीशन आ जाती है, ठीक है. अब यहाँ से यहाँ पे ड्रॉट है और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से विंड्स जो बारिश को लेके जा सके और सोमाली को और फोर्स करे वो नहीं हो पाती. एंड इसी की वजह से इंडिया में जब एल नीनो का असर यहाँ पर हो तो इंडिया में बारिश इतनी होती नहीं है ना, ड्रॉट कंडीशन फ्लड कंडीशन जैसी बढ़ जाती है. अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक और तीसरा दोस्त है जिसे हम बोलते हैं कि वो थोड़ा फेथफुल दोस्त है. दिस इज अफ्रीका बॉर्डर ओवर हियर, यहाँ इंडिया है, ठीक है, ये बाकी ये जो भी है ये इंडियन ओशन है. अब इंडियन ओशन डायपोल ये हमारा एक फेथफुल दोस्त हम बोल सकते हैं. इंडियन ओशन डायपोल दो तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ठीक है. पॉजिटिव हो तो हमें पता चल जाता है कि इंडिया में अच्छी बारिश होगी, नेगेटिव होगा तो इंडिया में अच्छी बारिश नहीं होगी. तो वो फेथफुल, हमें भरोसा है कि वो उससे हमें तुरंत आंसर पता चल जाता है. तो ये पॉजिटिव कब होता है कि जब अरेबियन सी होता है, अरेबियन सी होता है उधर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल और उसी के वजह से यहाँ पानी बहुत बारिश लेकर आता है, ठीक है, ये पॉजिटिव है. नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होगी और उसी के चलते यहाँ पे ड्रॉट जैसी कंडीशन बढ़ जाएगी. सो ये इंडियन ओशन डायपोल है. ये तीन के अलग अलग फंक्शनिंग के बेसिस में इंडिया में मॉनसून की प्रिडिक्टेबिलिटी होती है. सो इंडिया का मॉनसून ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया वो हो जाएगा, काफ़ी सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं और हम सब ब्लेम करते हैं IMD सही से आंसर नहीं बोलता, वहाँ पे तो देखो सुबह बता देते तो वहाँ बारिश हो जाती, बट दैट इज़ नॉट दी मॉनसून जो इंडिया मॉनसून जैसा है जो इतने सारे फैक्टर्स में काम करता है. वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल मॉनसून है इसलिए वहाँ पे तुरंत मिल जाता है फोरकास्ट. नाउ उसी के लिए इवन हमारे यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स भी बनाए गए जो वेदर फोरकास्ट कर सके. IMD इज़ यूजिंग मेनी डिफरेंट मेथड्स टू डू दी फोरकास्ट, ठीक है. अब माना जाता है कि बारिश की, मैंने आपको बताया बारिश की दो विंग्स आती है, दिस इज इंडिया साउथ वेस्ट का, एक इधर जाता है एक बे ऑफ बंगाल में जाता है. अब जो इधर गया वो सबसे पहले जाता है आप हमारे आइलैंड्स में. आइलैंड्स के अंदर मई के टाइम में ही बारिश शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके आ जाती है. 1 जून माना जाता है कि केरला के कोस्ट को टच करती है, ठीक है, और फिर मुंबई में 10 दिन के बाद आ जाएगी, 15 जून तक यहाँ पे वेस्टर्न एरिया में एंड धीरे धीरे करके आगे पहुँचता है. सो ऑलमोस्ट वी कैन सी के टिल जुलाई, मिड जुलाई तक ऑलमोस्ट यहाँ का पूरा रीजन कवर हो जाता है, इंडिया में बारिश फुल हो जाती है. अब ये जो बे ऑफ बंगाल है ये हिट करता है आसाम को, पर यहाँ पे हिमालयाज है उसके वजह से ये टर्न मारता है एंड गंगेटिक और वहाँ पे पानी लेकर आता है. बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है जो दिल्ली में भी मॉनसून लेकर आती है, फाइनली मर्ज हो जाती है, ठीक है. तो मॉनसून पूरा रहता है सेप्टेम्बर तक, सेप्टेम्बर में धीरे धीरे नीचे होना शुरू करता है, डिक्लाइनिंग ऑफ मॉनसून पीरियड. अक्टूबर में पूरा नदन पोर्शन तक मॉनसून डिक्लाइन हो जाता है एंड दिसंबर के बाद तो पूरे इंडिया से मॉनसून डिक्लाइन हो जाता है. फाइनली जनवरी एंड तक हमारे आइलैंड्स में से भी मॉनसून चला जाता है. सो दिस इज द हाउ मॉनसून साइकिल प्ले. नाउ अभी जो IMD का फोकस है उसमें यही बताया कि इस बार 3 दिन जल्दी बारिश आए, तो 3 दिन जल्दी आने का मतलब ये नहीं होता कि इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी, ऐसा कोई बोल नहीं सकते हम लोग, ठीक है. पर जो 3 दिन बारिश हुई वो कैसे बताया कि इस बार जल्दी बारिश हुई, ये बारिश ही है. उसके लिए भी क्राइटेरिया है कि 14 स्टेशंस है केरला में, वहाँ पे अगर 2 दिन तक एक परसेंटेज अमाउंट रखा है कि इतना पानी गिरेगा, इतनी बारिश होगी, तो उसे बोलेंगे कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो गया, ठीक है.
सो यू कैन सी ओवर हियर 70% एनुअल रेनफॉल लाता है हमारा मानसून, काफ़ी काम का है बारिश इंडिया के लिए. नाउ रेनफॉल आईएमडी डिक्लेयर तब करता है जब 60% ये 40 जो जगह है वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है लक्षद्वीप एंड केरला में, वहाँ पे अगर 2.5 mm तक जितना बारिश हुआ है 2 दिन लगातार तो हम उसे मानेंगे मानसून. ये कब होगा? आफ्टर मई के बाद कभी भी कोई पीरियड ऐसा हो. सिर्फ वो नहीं, और भी कंडीशन है जैसे विंड और बाकी की सारी फुलफिल होती है तो हम ऑनसेट ऑफ मानसून बोलते हैं. अब वेस्टर्लीज शुड बी 600 हेक्टोपास्कल इन द एरिया बाउंड बाय द इक्वेटर टू नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड फ्रॉम लॉन्जिट्यूड 55 to 80 degrees. द जोनल विंड स्पीड ओवर द एरिया शुड बी 15 to 20 knots. ठीक है, ये विंड फील्ड का इन्होंने क्राइटेरिया बता दिया है. हीट का ये बोला गया कि ये जो इंसेक्ट की एक है लॉन्ग वेव रेडिएशन, मतलब अर्थ के द्वारा जो रेडिएशन डाले रिलीज किए जाते हैं, इट शुड बी वैल्यू शुड बी 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर, इसी के बेसिस पर मेजर किया जाता है. ये मेजर्स इन्हीं रेंज के बीच में कन्फाइंड होता है. तो ये सारे कंडीशन से बोला जाता है भैया बारिश आ गई. ऐसा नहीं कि एक बार बूंद हो गई तो हमने बोल दिया बारिश आ गई. नहीं, ये कंडीशन फुलफिल हो तो ही बारिश आने वाली है, ऑनसेट शुरू हो चुका ये माना जाता है. इस बार जो जून सितंबर का है मॉनसून, इन 14 अप्रैल को आईएमडी के द्वारा प्रिडिक्ट करा गया है. दैट हर 14 अप्रैल को दे यूज टू कम विद द प्रिडिक्टमेंट दैट इंडिया रिसीविंग मोर देन 90% ऑफ देयर टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड सदर्न एंड नॉर्थर्न नदर्न वेस्टर्न इंडिया रिसीव 50 to 75% ऑफ देयर टोटल एनुअल रेनफॉल. बेसिकली ये जो आईएमडी है वो ऐसे ही डिसाइड नहीं करती, वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करती है रेनफॉल आने के लिए. जैसे कि यू विल गोइंग टू सी के सबसे पहले वो देखती है कि जो ये अटलांटिक ओशन है वो कितना गर्म है. ठीक है, इंडियन ओशन क्या क्या है, फिर यहाँ पे पैसिफिक में कितना पानी अंदर तक लेवल का गर्म हुआ है, बे ऑफ बंगाल, ये सारे चीज़ों को कंसिडर करके वो फाइनली कंक्लूड करती है कि इतना होने की संभावना है. सो यू कैन सी द रेंज, आप देख सकते हो फर्स्ट से यहाँ पे हिट करा, फिफ्थ टेंथ एग्जैक्टली 10 दिन बाद मुंबई में पहुँचता है, अहमदाबाद उस सबके पास 15 जून के पास तक पहुँच जाता है, एंड इस तरीके से पूरी साइकिल होती है. बेसिकली पानी गर्म होने का जो कॉज है, किस तरीके से बारिश आती है, वो मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया है. इम्पॉर्टेंट क्यों है मानसून इंडिया के लिए? सी, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारा कंट्री रेन फेड एग्रीकल्चर करता है. इरिगेशन सिर्फ 30% ही इंडिया में, रेस्ट डिपेंड ऑन दी मानसून इटसेल्फ. तो खरीफ की जो फसल उगाई जाती है उसका अच्छी फसल उगने के पीछे होगा मानसून ही रिस्पॉन्सिबल. अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल पूरी की पूरी बिगड़ जाती है. इसलिए हमारा जो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी है वो मानसून पर रिलाई करता है. इसलिए मानसून काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. प्लस अलग अलग वेरिएशंस के वजह से हम अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाते हैं मानसूनस के अंदर. ठीक है, उसी के वजह से हमारा घर वर जो भी है. प्लस मानसूनस ग्राउंड वाटर एंड डैम्स को भी रिचार्ज करता है, जो ज़रूरी है कि इससे हम बाकी पानी ड्रिंकिंग वाटर वो सब भी पूरी फुलफिल कर सकें. नेगेटिव इफेक्ट क्या है मानसून के? नेगेटिव इफेक्ट मानसून का अगर आप देखो दैट इन हिली एरियाज एक्सट्रीम बारिश ली आता है तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर सकता है. सॉइल इरोजन सडन मानसून लेकर आता है. ड्रॉट और फ्लड जैसी कंडीशन हो जाती है अगर मानसून सही से काम नहीं कर रहा है तो ड्रॉट जैसी इफेक्ट आ जाती है. ठीक है, अभी इशू क्या था वो मैंने आपको बता दिया था आईएमडी के अंदर. बिकॉज ऑफ दिस ऑल पैरामीटर्स आईएमडी सही से बता नहीं सकती, बट दे हैव ट्राई टू ब्रिंग आउट न्यू टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड नई नई डिवाइसेस जिससे और अच्छे बेहतरीन तरीके से मानसून प्रिडिक्शन कर सके. नाउ टू मॉडल्स हैं मानसून प्रिडिक्शन के, दैट इज वन इज द स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड वन इज द जनरल सर्कुलेशन या तो डायनामिक मॉडल. यहाँ पे 16 पैरामीटर्स को कंसिडर किए जाते हैं जिसमें मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ पे कितना पानी गर्म है नहीं है, वो सारी चीज़ों को इंडिया कंसिडर करती है. और ये अभी प्रिवेलिंग मॉडल है. ठीक है, डायनामिक मॉडल में काफ़ी सारे फैक्टर्स को पीरियड बना के कैसे बिहेव उस पीरियड में, फ्यूचर में कैसे करेगा कैसे नहीं करेंगे, तो काफ़ी डायनामिक वे में वो कॉन्सेप्ट है. तो ये 2 तरीका है जिससे मानसून प्रिडिक्ट किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया इज चेंजिंग गोल टूवर्ड दी
कोल, गोल पोस्ट चेंज हो रहा है कोल के लिए। हाल फिलहाल में निर्मला सीताराम जी ने जब वो यूएस गए थे, वहाँ पे यूएन की मीटिंग थी, वहाँ पे ये चीज़ बोली गई कि हम लोगों का जो टारगेट था कि कोल से कम हमें यूज़ करना है, हमारा एनर्जी सोर्स को कोल कम कर देना है, वो शायद से हमारा गोल अब नहीं हो पाएगा बिकॉज द वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन हैज़ मेक द प्राइजेस ऑफ द नेचुरल गैस एंड द क्रूड ऑयल अनप्रेडिक्टेबल और काफ़ी बड़ा भी दी हाइक हो जाएगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हो रहा है। सो वी हैव टू यूज़ कोल, ठीक है। सो जो हमने सोचा था कि भैया 2017 तक हमारा टारगेट है ज़ीरो, वो कैसे करेंगे अगर यही ऐसी सारी कंडीशन होगी, और उसी के बेसिस पे हमें समझना है कोल क्या है, कितने टाइप के होते हैं। सी, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये तीनों चीज़ हमारे सोर्सेज के लिए काम आती है। अगर मैं बात करूँ इंडिया के कोल की, तो इंडिया में अब आज भी 50% से ऊपर कोल यूज़ हुआ जाता है एज एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स प्रोवाइडर इन इंडिया। रेस्ट थोड़ा बहुत रिन्यूएबल एंड बाकी सब है, बट 50% से ऊपर आज भी इंडिया में कोल यूज़ होता है। अब कोल क्या है वो हम समझते हैं। तो कोल कुछ नहीं, कोल के बहुत सारे टाइप्स हैं। कोल बेसिकली कंबस्टिबल है, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है या ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री है। ये क्या होता है कि बहुत कोई एक वेटलैंड जैसी जगह हो कहीं पे भी वो धस हो गई हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो मर्ज गए, वहाँ पे ही रह गए, पानी के ऊपर वेटलैंड के अंदर हो गए तो वो डीके नहीं हो पाएंगे। सो वो अपने आप को टर्न कर देते पीट में, विद टाइम वहाँ पे सेडिमेंट्री जो चेंज होता है तो वो धीरे धीरे लिग्नाइट में बनते हैं, फिर धीरे धीरे बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ये पूरा एक फॉर्मेशन पीरियड उन लोगों का होता है। सो अगर हम बात करें तो इंडिया में कोल जो है, तो कोल बेसिकली कार्बन के होते हैं, वॉलेटाइल मैटर होता है, मॉइस्चर होता है, ऐश होता है, और कई मात्रा में थोड़ा सल्फर एंड फॉस्फरस भी होता है। ये पावर जनरेशन एंड मेटलर्जी में भी काम आया जाता है। इंडिया में दो कोल के माइंस है, एक तो है गोंडवाना फील्ड, एक तो है टेरिटरी फील्ड, बेसिकली टर्शियरी फील्ड एंड गोंडवाना फील्ड। जो गोंडवाना फील्ड है तो वो 250 मिलियन ओल्ड है, सबसे पहली वाली, एंड जो टर्शियरी वो अभी न्यू है, 15 से 60 मिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है ना। कितने टाइप के इंडिया में कोल है, तो इंडिया में एंथ्रासाइट भी है पर कम मात्रा में, जम्मू कश्मीर में ही है और जो हम इतना नहीं निकाल सकते, ठीक है, बिकॉज वो फ्रजाइल एरिया है पूरा का पूरा। सो लिमिटेड क्वांटिटी में हमें मंगाना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से ये वाला कोल। नाउ एंथ्रासाइट है वो सबसे बेहतरीन वाला कोल है, हाईएस्ट क्वालिटी, इसमें कार्बन 80 to 95% ये पूरा अच्छे मात्रा में कंबस्ट होता है और इसमें वॉलेटाइल और मॉइस्चर काफ़ी कम होता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा वाला कोल है। बिटुमिनस जो आज इंडिया यूज़ करता है, हमारे पास मेजरली बिटुमिनस सबसे ज़्यादा है, इसमें कोल कंटेंट, इस कोल के अंदर कार्बन कंटेंट 60 to 80% होता है, ठीक है, ये याद रखना, बिटुमिनस में 60 to 80%, यहाँ पे 80 to 90%। एंड इंडिया जो के पास जो कोल ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसमें मॉइस्चर भी काफ़ी होता है, इसलिए वॉलेटाइल मटीरियल्स उसमें से निकलते हैं। नाउ बिटुमिनस कोल इज़ यूटिलाइज नॉट ओनली फॉर स्टीम जनरेशन, जो आज हम पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं, बट इवन टू मेक कोक एंड गैस प्लांट एंड कोक बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे बिटुमिनस कोल बनते हैं। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बिटुमिनस कोल बनता है। जम्मू कश्मीर के अंदर कालाकोट रीजन में ही जो हमारा एंथ्रासाइट है वो बनता है। नाउ बात करते हैं लिग्नाइट की। सी, लिग्नाइट जो है दैट इज़ दी थर्ड नंबर, यहाँ से शुरू होता है कोल बनना पीट से, उसके बाद लिग्नाइट धीरे धीरे करके इवॉल्व होकर अच्छा वाला बनता है, ठीक है। सो लिग्नाइट को ब्राउन कलर बोलते हैं, ये लो ग्रेड कोल होता है, ये जनरली इसमें कार्बन कंटेंट 40 to 35% होता है, मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होता है। सो बहुत ज़्यादा इसको जलाए तो बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, तो बहुत गंदा वाला कोल इसे बोल सकते हैं। ये राजस्थान पालना में मिलता है, तमिलनाडु में नेवियाली में इसका प्लांट भी है, आसाम के लखीमपुर में, जम्मू कश्मीर में कारेवा के अंदर मिलता है, ठीक है, तो ये लोकेशंस आप याद रखना। पीट, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे कोट से कोल बनता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में कार्बन होता है और ज़्यादातर मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल स्टफ इसके अंदर होता है। सो जब इसको रख देते मोर बिहेव लाइक अ वुड, और वुड को गर्म करें तो काफ़ी स्मोक निकलता है। सो वाई इंडिया इज़ मूविंग अवे, बिकॉज हाल फिलहाल में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इंडिया और बाकी सभी कंट्रीज जो कॉप की मीटिंग हुई, उसमें क्या डिसाइड किया कि 2070
ऐसे 2050 डेवलप कंट्री सब ने अपने अपने टारगेट दिए कि जीरो कर देंगे कार्बन एमिशन, ठीक है। अब सभी कोल मेजरली यूज़ करते हैं, इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, तो इसको निकालने के लिए वी नीड अदर रिसोर्सेज, जैसे गैस है वो सब नेचुरल गैस है, उस सब पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब 80% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट इन तीनों से ही फ्यूल होती है, एंड रिसेंटली क्राइसिस ट्रिगर कर रहा है कि सब इससे दूर जाए। बट कल्प्रिट कैसे हो रहा है, वर्स्ट कल्प्रिट, ये कोल ट्वाइस एज मच कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है एज अ नेचुरल गैस, ठीक है। अगर नेचुरल गैस होगा तो इट विल एमिट, कोल कंपेयर टू नेचुरल गैस ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है नेचुरल गैस से कंपेयर में ट्वाइस, एंड इफ़ वी कंपेयर विद द ऑयल तो 60% मोर, तो काफ़ी ख़राब है कोल। एंड कंबशन कोल कितनी बार उसका पार्टली रह जाता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन वो सब भी ट्रिगर होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी ट्रिगर होते हैं, एंड ग्लोबली ये पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंडिया में तो यूज़ होता ही है, 61% ग्लोबली अगर देखें तो 41%, आप देखो ग्लोबली 41% पावर में कोल यूज़ होता है। अगर इंडिया की बात करूँ तो 49% कार्बन यूज़ होता है इन दी पावर स्टेशन। अभी व्हाट इज़ दी सेंटर ऑफ इंडियाज, व्हाट इज़ दी एक्सटेंट ऑफ इंडियाज डिपेंडेंट ऑन कोल, बेसिकली अगर हम देखें तो इंडिया में 2.04 लाख मेगावाट जितना पावर प्लांट में कोल में से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो 2500 मेगावाट जितना कैपेसिटी लगाया गया है, तो बहुत कम है रिन्यूएबल का कंपेयर टू कोल। 51% पावर सोर्सेस है कोल और यहाँ पे सिर्फ 6% है, और यहाँ पे पुराने जो है उसको रिटायर भी कर रहे थे, पर उसके सामने नए भी काफ़ी लगाए गए हैं। आप देखो इंडिया में 600-765 मेगावाट कोल का पावर प्लांट डाला गया था, ठीक है, बट ओनली 2-3-3-5 मेगावाट वाले को रिटायर किया, तो काफ़ी कम मात्रा में रिटायर करते हैं। और एक इंटरनेशनल एजेंसी का तो ये मानना है कि बाई 2024 इंडिया ऑलमोस्ट 1 बिलियन कोल कंजप्शन कर लेने वाला है, ठीक है। क्यों कोल करा जाता है, बिकॉज इनएक्सपेंसिव है और काफ़ी नियर बाय सोर्स होता है पानी के लिए। इंडिया के पास इतना ऑयल का रिसोर्स नहीं, नेचुरल गैस का इतना रिसोर्स नहीं, इसलिए इंडिया ज़्यादा कोल पे रिलाई करता है और सस्ता भी है। नाउ बिकॉज इंडिया ने सारे प्रोग्राम्स किए कि कोल बेस हम कम कर दें, हम नेचुरल गैस बेस पे कर दें, तो जो उसके बेस पे पावर प्लांट है एक पॉइंट आज उनकी रेट आप देखो 2021 में 500 रुपये हो गए, एंड अभी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट 1425 जहाँ तक पहुँच चुका है। तो उसके वजह से जो नेचुरल गैस के प्लांट्स ना वो अटक चुके हैं, स्टॉल हो चुके हैं, क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल रेट पे नेचुरल गैस मिल रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ दिस वॉर, और उसी के चलते आज कोल के ऊपर वापस से फोकस जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू गाइज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी। The treaty forbid countries from deploying nuclear weapon in the outer space. According to the treaty, no nation may claim sovereignty of outer space or any celestial body. The treaty prohibit launching of ballistic missile through space. बताइए क्या आंसर है? आउटर स्पेस ट्रीटी काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। आप लोगों ने आंसर पढ़ लिया है,
लेट्स डिस्कस इट. सी यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड स्टेटमेंट देखो, ट्रीटी प्रोहिबिट द लॉन्चिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल थ्रू स्पेस. नहीं, ट्रीटी प्रोहिबिट नहीं करता है, वरना हम लोग एसेट का कैसे काम करते हैं, ठीक है. दूसरा, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी नो नेशन मे क्लेम सोवरेनिटी ऑफ आउटर स्पेस और एनी सेलेस्टियल बॉडी. यस, दैट इज करेक्ट. कोई नेशन क्लेम नहीं कर सकता स्पेस मेरा है, ठीक है. थर्ड, देन फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ट्रीटी प्रोहिबिट कंट्रीज फ्रॉम डिप्लॉइंग न्यूक्लियर वेपन. यस, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पर रखने के लिए मना किया, कहीं पर भी, मून पर भी नहीं, ठीक है. सो आउटर स्पेस ट्रीटी का आंसर 1 और 2 है, थर्ड वाला नहीं है. याद रखना, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए कोई प्रावधान वहाँ पर ऐसे नहीं रखे, तो कोई प्रोहिबिट नहीं करता. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन टू द पंचायत. तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार और देखिए क्या आंसर है. Election to the panchayat are conducted by state election commission, which is subordinate to central election commission. A person who is not qualified to contest a state assembly election cannot contest local body election too. See, dono statement hi galat hai, theek hai. Yahan pe panchayat election ke liye age 21 saal di gayi hai, aur us wo aur state election ka kuch lena dena nahi hai, theek hai. Qualification dono ke liye alag hai. प्लस पंचायत इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, और वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है उसके नीचे नहीं आता. जो हमारा सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन है, मेजर इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके सबऑर्डिनेट नहीं है, स्टेट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, ठीक है. सो वो इंडिपेंडेंटली खुद से काम करता है. नाउ क्वेश्चनिंग द सेफ्टी ऑफ आधार. हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री जो आधार की बॉडी है, ठीक है, उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन पहले डाला गया था, जिसमें बोला गया था कि आप आधार अगर किसी को शेयर कर रहे हो तो मास्क आधार दो, वरना ऐसे किसी को शेयर मत करो, बिकॉज आपकी चीज़ों का गलत फ़ायदा हो सकता है. उन्हीं लोगों को शेयर करो जो लाइसेंस यूज़र है यूडीआई के, जो मॉल्स हो है, आई मीन जो होटल रेस्टोरेंट्स वाले होटल्स में आप रुकने जा रहे हो कहीं पे भी, या तो मूवी थिएटर्स है, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है और वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो. तो ये डाला गया था, फिर उन्होंने हटा भी दिया मान के कि शायद से इसका मिसइंटरप्रिटेशन हो सकता है, इसलिए दे रिमूव दिस प्रेस रिलीज ऑल्सो. सो आधार 2 days आफ्टर इशूइंग एंड रिमूविंग दिस, कहीं ना कहीं वापस से आधार न्यूज़ में आ चुका है. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले क्वेश्चनिंग द सेफ्टी ऑफ आधार. ये द हिंदू के एक्सप्लेन पेज में आया था, इसलिए ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन पेज में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. देन यूडीआई की एडवाइजरी क्या थी पहले तो हम समझे कि वो, फिर आधार है क्या, एक्ट के अंदर क्या क्या दिया गया है, कैसे आधार का थेफ्ट हो रहा है या नहीं वो भी बताएंगे, यूडीआई का ऑथोरिटी उसके क्या है और क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो सब हम डिस्कस करेंगे. कैक की भी रिपोर्ट आई थी ऑन द बेसिस ऑफ आधार, वो भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट डिड यूडीआई एडवाइजरी सेड. एज आई सेड, उन्होंने क्या बोला था कि मास्क आधार कार्ड इंस्टेड ऑफ आप नॉर्मल जो फोटोकॉपी ऐसे किसी को मत कर दो, बिकॉज शायद से इसके गलत काम में यूज़ हो सकते हैं. मास्क मतलब कि जो 12 डिजिट में से आखिरी के जो है ना वो ऐसे XXXX 8 तो दिखनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं मास्क आधार. ये तरीके के आधार आप शेयर करो किसी के साथ. द नोटिस इन्फॉर्म कि जो एंटिटी, जो यूज़र है जिनको यूडीआई के तरफ से लाइसेंस मिला गया है, आप उन्हें ही अपना आधार कॉपी दो, वरना नहीं, ठीक है. ये एडवाइजरी थी, पर इसे हटा दी गई. अब हमें पढ़ना है आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी एक्ट 2016. अभी ये 2016 वाला हम चीज़ समझेंगे कि है क्या. बेसिकली आधार ऑथेंटिकेशन ये एक्ट के थ्रू शुरू हुआ था, उसके बाद ये जजमेंट भी गया था और वो जजमेंट भी आया था, उसमें क्या हुआ था वो हम समझेंगे. 2016 में सरकार के द्वारा एक एक्ट फाइनली बनाया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को आधार मिलेगा. ये आधार 12 डिजिट का नंबर होगा, जिसमें आपके बायोमेट्रिक्स भी लिए जाएंगे, ठीक है. और बोला गया कि जो सरकार की तरफ से जो सब्सिडरीज होती है, जो भी स्कीम्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, उसमें ये आधार ज़रूरी रहेगा. अगर कोई इंसान जिसके पास आधार नहीं है, तो उसके लिए और कोई प्रावधान होंगे टू प्रोवाइड देम दी सब्सिडी. आज आप देख रहे होंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अकाउंट में दिए जाते हैं, वो अकाउंट आपके आधार से लिंक होते हैं, इसलिए आधार को मैंडेटरी कर दिया गया था. और इवन इन दी बैंकिंग हर जगह पे बहुत आधार मैंडेटरी हो गया था, हर लोग आधार ही आधार मांगते थे, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी गया था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला
ऑन आधार कॉन्स्टिट्यूशनल है ये एक्ट, बट सर्टेन प्रोविजन दे है रिमूव, कि जैसे मोबाइल आप लेने जाते हो सिम कार्ड के लिए वहाँ आधार देना पड़ता है, वो नहीं मैंडेटरी नहीं है, बैंक के अकाउंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो वहाँ हर एक जगह से आधार निकाल दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा जो स्कीम सब्सिडीज हो वहीं पे यूज होगा। अभी केवाईसी सेपरेटली क्या है, उसके अंदर बोला गया था कि जो नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट वो उसमें आपको देना पड़ता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ओपनिंग द बैंक अकाउंट्स, न्यू सीम और स्कूल एडमिशन, यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये जो भी एंटिटीज आपसे मांगती है आधार जो है वो इसलिए मांग रही है जस्ट टू चेक दी योर आइडेंटिटी करेक्ट है फ्रॉम दी CIDR, सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी है, वहाँ पे ऑथेंटिक जो बॉडीज है उनके द्वारा ये चेक करा जाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज डेटाबेस है और सब कुछ वहाँ पे रहेगा, डेमोग्राफिक आपका नाम पता सब कुछ, बायोमेट्रिक में यहाँ पे आईडी स्कैन आपका थंब वो सब के में लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स आईरिस स्कैन बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स सब डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आधार कार्ड में क्लियरली बोला है कि आप अपने बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं शेयर करेगा, UDI किसी को नहीं करेगी एंड प्लस जो जिन्होंने लिया है वो भी कहीं से भी इसको शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज होगा। नाउ और एक्ट के अंदर प्रावधान क्या थे, दैट एक्ट ने क्लियरली बोला कि आपके जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कोई इसको पब्लिश नहीं करेगा, हाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं कि कल UDI आपके सारे आधार की डिटेल पब्लिश कर दी है ट्विटर पे, ऐसा नहीं, ठीक है। और ये एक्ट बोलती है कि अगर हाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आया कि कोई कुछ ऐसा रीज़न है और या तो कोई जॉइंट सेक्रेटरी कुछ ऐसा रीज़न है जहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ही मिली जाएगी वरना नहीं, दैट रीजन शुड बी फ्रॉम दी इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अभी क्या हुआ कि सबने बोला कि आधार के डेटाज बाहर है, आधार इज नॉट सेफ नॉट सेफ, तो जो हमारे एक क्या बोलते हैं चेयरमैन थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, ठीक है, उन्होंने अपना आधार कार्ड पोस्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि आप देख लो कितना आधार कितना सेफ है या नहीं, मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, मैं अपना आधार कार्ड का नंबर ही डाल देता हूँ, और उसके बाद पता चला दैट इनका बैंक अकाउंट नंबर इनका फ़ोन नंबर सब कुछ बाहर पब्लिकली रिकॉर्ड्स में ओपन मिल गया था बिकॉज ऑफ आधार नंबर। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी थेफ्ट आधार की है, पॉसिबल हो रही है आज के टाइम पे। क्यों सिम कार्ड के लिए मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे आधार देते वो लोग क्या करते कोई कंपनी को बेच देते आपके डेटास, ठीक है। अब वो कंपनी क्या करेगी, जो जो जिन लोगों को चोरी करना आधार थेफ्ट, तो वो क्या करेगी, आपके आधार नंबर मिल गया, आधार की आपका कुछ भी बैंक के अंदर कुछ भी करने के लिए तो फ़ोन नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए, स्कैन आईडी स्कैन चाहिए, ये सब चाहिए। तो बोला आईडी स्कैन और वो सब तो कैमरास है आपके रेलवे या कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस में, आपके फुटप्रिंट कहीं पे भी टच होती है वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आधार नंबर ऑलरेडी है, अभी कितने ने फ़ोन नंबर ऐसा दिया होता है जो बंद हो चुका है, तो उसका फ़ायदा उठा के वो लोग उसको वापस से चालू करवा के OTP उस पर ले लेते हैं। इस तरीके के फ्रॉड्स काफ़ी हो रहे हैं, इसलिए ये प्रावधान डाले गए मास्क वाले पर वापस से हटा दिया बिकॉज ऑफ द मिस इंटरप्रिटेशन, सरकार को ऐसा लगा ना। अकॉर्डिंग टू द डेटा इटसेल्फ बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया कि 6.48 करोड़ वर्थ ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ गया है, 6 करोड़ जितना इतना फाइनेंशियल 648 करोड़ जितना फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, जिसमें से इतने ट्रांजेक्शन थे उसमें से 2391 यूनिक यूज़र थे जिनका हुआ गया था। नाउ क्या बोला गया NPCI ने कि आधार पेमेंट इनेबल ब्रिज बनाया, यहाँ पे भी बनाया जो इंडिविजुअल को आधार से बेस पेमेंट करने देता है, और इसके लिए ज़रूरी है बैंक अकाउंट आपकी आधार से लिंक हो, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ नॉट सेफ्टी एंड वी डोंट हैव डेटा प्रोटेक्शन लॉ आधार की डिटेल्स बाहर है और काफ़ी चीज़ें हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इसके गलत फ़ायदे भी है जिसकी वजह से इतने फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, ठीक है। सो ये इंक्रिप्शन रोबस्ट नहीं है, कैग की रिपोर्ट आई, कैग ने बोला कि जिस तरीके से आधार रखे गए हैं यहाँ पे, आपने बोला यूज़र्स जो है लाइसेंस वाले वो लोग आधार ले सकते हैं और वो प्रोसेस करते हैं, बट कैग ने बोला कि कहीं ऐसा नहीं दिया कि इन्होंने जो आधार लिया है प्रोसेस किया है आइडेंटिटी करने के लिए, माइट बी देयर आर द चांसेस कि वो स्टोर करें, और ये कोई चेक नहीं कर रहा है
कैग की रिपोर्ट्स ये बता रही है। कैग ने ये भी बताया कि आधार की सेफ्टी इज अ क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इसी के चलते ये इवन नोटिफिकेशन आया था जो हटा भी दिया। अब ये डेटा है ना जिसकी वजह से फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, सब कुछ मिला के ऐसा सब कुछ काम चल रहा है जो मैंने आपको बताया क्या क्या टेक्निक्स दे कैन यूज टू डू दी फ्रॉड। ना बात करते हैं ये बॉडी की, ये बॉडी उस एक्ट के द्वारा बनी, यही बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल रहेगी टू गिव दी आधार कार्ड, ठीक है, 12 डिजिट का रेसिडेंट ऑफ दी कंट्री सेंट्रल डेटाबेस। हर एक रेसिडेंट को आधार मिला जाएगा। सो यहाँ पे सिटीजन नहीं लिखा है, यहाँ पे रेसिडेंट दिया है वो मार्क करना। UDI इस एक्ट के द्वारा ही स्थापित गई थी, इसको आधार एक्ट भी बोला जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये आती है मीटिंग की मिनिस्ट्री के अंदर। दिस इज दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले कि जो जहाँ पे आधार के डेटा स्टोर करे वो इतना एनक्रिप्टेड नहीं है, जैसे आपका व्हाट्सअप मैसेज है वो एनक्रिप्टेड है, ये इतना एनक्रिप्टेड नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। कैक का ये भी मानना है कि UDI का अनस्टेबल रिकॉर्ड है। काम क्या था, आधार क्यों लाया गया था, कि ये जैसे इलेक्शन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, लाइसेंस है, उसका डुप्लीकेशन काफ़ी हो रहा था, उसकी वजह से गोस्ट राइडर्स भी बहुत थे, तो स्कीम और फ्रॉड करप्शन ये सब हो रहा था, उसी को ही काम करने के लिए आधार लेकर आया था कि डुप्लीकेशन कम हो जाए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पता चला कि जो काम के लिए था वैसा हुआ नहीं, स्टिल डुप्लीकेट आधार नंबर मिल रहे, एक ही पर्सन का 3-3 आधार हो रहा है, इसी भी गड़बड़ी हो रही है। एंड जो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो मतलब ये UDI के द्वारा, तो ये जो यूजर्स लाइसेंस है जो इसे ऑथेंटिकेट करती है, पर कहीं ना कहीं वो प्रोसेस नहीं चेक करा जा रहा कि वो उसे स्टोर कर रही है। देयर आर दी ओपन चांसेस ऑफ इट, ये कैक की रिपोर्ट है। तो ये कहीं ना कहीं सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जो आज फेस हो रहे हैं। सो दैट्स इट आधार। नाउ बात करते हैं आर्टिलरी रॉकेट की। बेसिकली US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने बोला गया कि हम एक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, दी एडवांस आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमर हम दे रहे हैं यूक्रेन को विद अदर थिंग्स। हम इतना ग्रांट दे रहे हैं, इससे यूक्रेन डिफेंड कर सकेगा अपने बॉर्डर्स को फ्रॉम दी रशिया, ठीक है। सो एडवांस रॉकेट भिजाया जा रहा है और ये आर्टिलरी रॉकेट है, इसलिए हमें समझना है आर्टिलरी रॉकेट होता क्या है। यू कैन सी द फोटो, ये आर्टिलरी रॉकेट है। ये देखो हमारे पास ऐसा है पिनाकिन, जहाँ पे बहुत सारे लॉन्चर्स लगे होते हैं, ठीक है, थीके? उसी तरीके का ये आर्टिलरी रॉकेट है। बेसिकली ये रॉकेट जो है ना वो शॉर्ट रेंजेस के लिए होता है। मिसाइल्स जो होती ना, ये समझो रॉकेट एंड मिसाइल का डिफरेंस क्या है। रॉकेट्स है वो शॉर्ट रेंजेस के लिए, दोनों होता तो सेम ही है, रॉकेट है वो शॉर्ट रेंजेस के लिए होता है, और ये रॉकेट मिसाइल तब बोली जाती है जब ये लॉन्ग रेंजेस के लिए हो। ये ऑलमोस्ट 100 के बिलो होगी और ये 500 से भी ज़्यादा हो सकती है मिसाइल्स, ठीक है, 500 किलोमीटर से भी दूर, तो ये डिफरेंस है। ये काम करता है सॉलिड प्रॉब्लम में, ऑलवेज रिमेंबर दिस इंजन ऑलवेज वर्क सॉलिड। क्यों? सॉलिड इनिशियल फ्यूल होता है जो बूस्ट देगा ऊपर उठने के लिए, ठीक है। सो और इसमें आगे जो ये रॉकेट होता है उसके आगे सारे बारूद लगाए होते हैं, वॉर हेड्स। नाउ ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ये आर्टिलरी जो रॉकेट्स है, एक और चीज़ है इधर मिसाइल और रॉकेट के बीच में, एक तो हमने देखा ये शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज, दूसरा रॉकेट्स बेसिकली गाइडेड नहीं होते, दे आर अनगाइडेड, ये गाइडेड होते हैं, ये सीधा प्रिसाइजली हिट करते हैं, रॉकेट गाइडेड नहीं होते। इनका काम क्या है, इधर भेजना है गए और वहाँ पे सीधा अपने एक्सप्लोजन्स रिलीज कर रहे हैं और पूरे उस एरिया को इम्पैक्ट करेंगे, प्रिसाइजली कोई टारगेट्स को नहीं हिट करते, ठीक है। नाउ ये कोल्ड वॉर के टाइम पे ये शुरू हुआ था, पर उससे पहले ऑलमोस्ट 1970 US ने एक नया वेपन बनाया MLRS मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, एक टाइम पे बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च करने, ठीक है, रशिया के व्हीकल्स को जो ऑलमोस्ट वेस्टर्न यूरोप को बॉर्डर कर चुके थे। नाउ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS लॉन्चर, ये जो लॉन्चर ये आप देख रहे हो इसमें दो पोड होंगे, एक पोड से 6 क्लस्टर वेपन रॉकेट्स को लॉन्च करा जा सकता है, मतलब 6 क्लस्टर के वेपन्स उसमें डाले हैं, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 20 माइल तक जाएगा, 20 माइल तक, काफ़ी छोटी रेंज है, ठीक है।
फिर दूसरा बनाया गया है आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ये लार्जर है, 100 तक जाता है, इसमें सिंगल है, गाइडेड है, ठीक है। 23 टन का लॉन्चर मूव ऑन थ्रेड, ये जाता है 40 mph की स्पीड पे, ये इसी का ही एडवांस कर दिया है। इसके अंदर एक ही सिंगल पॉड रहता है। नाउ हीमर जो दिया जा रहा है, ठीक है, हाई मोबिलिटी, मतलब ये जो आपने देखा ट्रक के ऊपर होगा, हाईली मोबाइल, कहीं भी ले जाना है ले जा सकते हो, ये रॉकेट सिस्टम दिया जा रहा है। ये रॉकेट बनाया गया था खुद यूएस के द्वारा, आफ्टर दैट के इजीली लाइटर भी हो, कहीं पे भी मूव कर सके, एक ही पॉड रहेगा और बहुत फास्टर है, इसको फटाफट आप अंदर मिसाइल फटाफट डाल सकते हो। मतलब जो रशिया की है ना, वो एक तो अनगाइडेड है, ये थोड़ी गाइडेड भी है, एंड दूसरा रशिया की वाले में मैन्युअली आपको रॉकेट्स फिलअप करने पड़ते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये शिप किया जाएगा कार्गो प्लेन से। नाउ हैज़ द यूएस यूज दिस वेपन? यस, यूएस ने अपनी खुद के ऑपरेशंस में काफ़ी यूज़ किया, जैसे डेजर्ट स्टॉर्म जो इराकी फोर्स के ऊपर यूज़ किया गया था, ठीक है। इवन 2005 में GMLRS जो ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम था ना, वो इराकी फोर्स के ऊपर फायर किया गया था, जो 40 माइल का है, मोर देन ट्वाइस देन दी MLRS से थोड़ा ज़्यादा। MLRS था 20 miles, ये है 40 miles, और इसमें GPS भी है, मतलब गाइड करेगा रॉकेट को प्रिसाइसली जाने के लिए। बेसिकली इस बार इधर क्या क्या दिया जा रहा है, पेंटागन एक तो शॉर्ट रेंज इनएक्सपेंसिव अनगाइडेड एंटीटैंक वेपन जो यूक्रेन को देने वाले, 84 एंड जेवलिन भी देने वाले हैं, ठीक है। फिर मनी पार्ट्स में अगर मैं देखूं तो GMLRS भी दे रहे हैं, MLRS भी दे रहे हैं, और हाल फिलहाल में हीमर भी दे रहे हैं। बात आ जाती है आपकी यहाँ पर कि यूएस के पास इससे भी तो अच्छे वेपन्स हैं, वो क्यों नहीं दे रहा कि सीधा ख़त्म कर दे, दूर तक चले जाए, शॉर्ट रेंज के क्यों दे रहा है? द रीज़न जो बाइडन हैज क्लियरली सेड कि आर रोल इज़ नॉट टू मेक यूक्रेन इनेबल के वो अपनी बॉर्डर को क्रॉस करके कोई दे, ऑफेंसिव नहीं करना है हमें, ठीक है, उनको अपनी बॉर्डर प्रोटेक्ट करनी, उसके डिफेंसिव के बेसिस पे ही हम वो दे रहे हैं, ये क्लियर कट बोल दिया गया है। रशिया के पास, रशिया ने हाल फिलहाल में यूक्रेन में 3 अनगाइडेड आर्टिलरी रॉकेट्स लगी गई है, स्मर्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। नाउ यूएस के एडवांटेजेस क्या है भाई, एक तो हमने देखा ये जाएगी दूर तक, मतलब 40 miles, और हिमर तो जाएगी 50 miles के पास तक जाएगी, ठीक है। फुल्ली रीलोडेड विद इन अ मिनट, इसको बहुत टाइम लगता है रशिया वाले को, एंड रशियन लॉन्चर मस्ट बी मैन्युअली लोडेड ट्यूब बाई ट्यूब, वो फुल्ली खुद से रीलोड हो जाती इन अ मिनट, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये उसके फायदे हैं। ना अदर टॉपिक, वॉट इज गिग इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी है क्या? सो हाल फिलहाल में सेंट्रल के द्वारा सोचा गया कि गिग इकोनॉमी जो वर्कर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटीज के लिए हमें बाकी सब जगह किस तरीके से चल रहा है उस पर कुछ डेप्थ डिस्कशन होना चाहिए। अब इसी की एक इंस्टीट्यूशन है VVRE जो बैठती है लेबर मिनिस्ट्री के अंदर, और उन्होंने ये प्रोग्राम शेयर किया है, शुरू किया है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज बनाने के लिए फॉर दी गिग वर्कर्स। तो हमें जानना ये है कि गिग वर्कर्स होते क्या है। गिग वर्कर्स और कुछ नहीं जो फ्रीलांसर में काम करते हैं, ठीक है, या तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स आप बोल सकते हो, जैसे कि स्विगी, उबर, ओला, उसमें जो सारे कर्मचारी है वो सारे गिग वर्कर हैं। ट्रेडिशनल वर्कर एंड गिग वर्कर का डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल में आपका फुल टाइम जॉब होता है, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग के बेसिस पे जॉब कर सकते हो, जैसे ये टाइम है दूसरी जगह आ जाना है, तो कम्प्लीटली फ्रीलांस है। ट्रेडिशनल में आपको पूरा का पूरा सोशल सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, ये ही इशू है जो उठा रहा है। बट गिग वर्कर के काफ़ी सारे फायदे भी है वो हम समझेंगे। गिग इकोनॉमी के इफेक्ट की बात करें तो अगर जैसे कंज्यूमर हमें सस्ता अच्छा टिकाऊ सामान पहुंचाना, जैसे स्विगी फूड, ठीक है, सो कन्वीनियंस, लोअर क्वालिटी, चीपर, ये सब। इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री के लिए गिग इकोनॉमी क्यों अच्छी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्टर को प्लेटफॉर्म बेस्ड करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा डालने का ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। फूड सिस्टम, तो फूड सर्विस वर्कर्स बेसिकली जो रेस्टोरेंट्स हैं ना, आज उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि ये सब घर पे आराम से घर पे खाना जाता है, क्यों वहाँ जाना। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ कंपीट करना। लेबर्स, एक तो आपकी वेजेस बढ़ नहीं रहे, प्लस कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं, ऑड आवर्स होते हैं, और उनकी टिप्स भी कम हो रही है। सो ये इफेक्ट्स है। अब हम समझते एग्जैक्टली गिग वर्कर के बारे में। सो गिग वर्कर कुछ नहीं है,
टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है जिसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, ठीक है, जॉब बेस टू बेस, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपकी जॉब होती है, जैसे खत्म काम खत्म जॉब खत्म, फिर नहीं मिलेगी, ठीक है, डिपेंड आगे कोई प्रोजेक्ट हो। सो गिग इकोनॉमी गेट्स इज नेम फ्रॉम द ईच पीस ऑफ वर्क बीइंग अकिन टू एन इंडिविजुअल गिग, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे नाम आया है। इसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, वर्कर्स डिफरेंट सेक्टर्स में, आईटी, कंटेंट क्रिएटर, फूड एंड बेवरेजेस, सोशल मीडिया, आर्ट एंड डिजाइन, इन सभी के अंदर जो फ्रीलांसर्स काम करते हैं उन्हीं को ही गिग वर्कर्स बोलते हैं। अब गिग इकोनॉमी टेम्पररी या पार्ट टाइम जॉब देती है इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल। अभी जैसे आज के टाइम पे ऑलरेडी इंडिया यूथ ज़्यादा है एंड इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी उन्हीं यूथ को एक मौका दे रही है। यू कैन सी ओवर हियर नाइजर इंडिया गिग इकोनॉमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसी टाइम में आप देखो यूएस में सिर्फ 6% ही है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सो कहीं ना कहीं हाई इनकम कंट्रीज में कम है, लो इनकम कंट्रीज में 80% जितनी गिग इकोनॉमी वर्क कर रही है कॉन्ट्रैक्ट बेस। अब एडवांटेज क्या है इसके, तो जैसे कि कैटर द इमीडिएट डिमांड। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में सबका अप्रोच बदल रहा है, दे वांट न्यू लाइफस्टाइल, दे वांट फास्ट गोल, अच्छा मनी। सो अगर फ्रीलांसर खुद के पैशन को फॉलो करना है, इस तरीके से करना है, तो ये गिग इकोनॉमी अच्छी है, देन चीपर है एंड कंपनीज के लिए चीपर है एंड एफिशिएंट है। जैसे कोई स्टार्टअप है उसके पास इतना फंड नहीं है कि इतना प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी सब कुछ दे, सो दे कैन हायर द कॉन्ट्रैक्ट पर्सन, ठीक है, चीप भी पड़ेगा और अच्छे एफिशिएंटली वो अपना इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है स्टार्टअप में लगा सकेगा। एम्प्लॉयज़ के पास काफ़ी चॉइस हो जाती है क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और सपोज किसी को कोई स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज चाहिए फॉर सम टाइम पीरियड वो भी मिल सकता है, एंड यूथ के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। इंडिया में आज यूथ सबसे ज़्यादा है और आधों के पास जॉब नहीं है, सो गिग इकोनॉमी कैन बी टर्न आउट, ठीक है। चैलेंजेस क्या है गिग इकोनॉमी को लेके, तो चैलेंजेस सबसे पहले है कि चलो जिसको टेम्प्रेरी करना है, बट व्हाट अबाउट द पर्सन जिसको परमानेंट जॉब चाहिए विद सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। ट्रेडिशनल इकोनॉमी इरोड हो रही है बिकॉज ऑफ गिग इकोनॉमी। क्यों, आज एक एम्प्लॉयर को एक छूट मिल गई है, वाइट चॉइस मिल गई है कि भैया मैं तुझे क्यों रखूँ जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मिल रहा है, तो जॉब ही नहीं मिलेगी, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी ही इरोड हो रही है। देन उनकी जगह ही जा रही है, उनकी जगह चली जा रही है गिग वर्कर्स को, और जो ये गिग वर्कर्स है उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। क्यों, क्योंकि इसके टाइम्स ऑर्ड्स होते हैं, कभी सुबह कभी रात, तो ये स्लीपिंग पैटर्न हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं, एंड मेन इम्पॉर्टेंटली इनकी राइट्स प्रोटेक्शन के, छुट्टी, बीमारी कुछ भी हो वो नहीं है, ये चैलेंजेस है। और उसी को एड्रेस करने के लिए गिग इकोनॉमी को इवेल्युएट करना पड़ेगा और उसके लिए रेगुलेशन लाना पड़ेगा, और वो किया गया है कोड ऑफ वेज बिल, कोड ऑफ वेज, ठीक है, उसमें इवन इंक्लूडेड अनऑर्गेनाइज एंड गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, ठीक है। कोड ऑफ सिक्योरिटी में भी बोला गया है कि गिग वर्कर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक फंड बनाया जाएगा फॉर देयर सोशल सिक्योरिटी, तो उसी की प्रावधान चल रहे। फॉर एग्जांपल कहीं कितनी जगह पे क्या होता है कि जैसे आपकी कोई राइड है तो उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो 2-3 रुपये एक्स्ट्रा उसमें डालते हैं कि ये आप कर लोगे तो उन्हें मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम ला सकते हैं इसी के अंदर, और उसी के लिए ये डिस्कशन हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में था। ना तो क्वेश्चन फॉर यू गाइस, आप पढ़िए एक बार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली, डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स, वाटर सप्लाईज, इरीगेशन एंड कैनल्स कम अंडर द यूनियन लिस्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी सेकेंड वाला है वो इनकरेक्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, आर्टिकल 263 जो बोलता है कि पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल, पार्लियामेंट नहीं, सेंट्रल जो है वो बनाएगी कोई ट्रिब्यूनल अगर इंटर स्टेट वाटर
डिस्प्यूट हो गया. केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस समटाइम सीन इन द न्यूज, किसके रिलेटेड है? बहुत ही फेमस केस है. सेडिशन सेक्शन 124 जो सेडिशन की बात करता है उसी के लिए केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, जहाँ पे बोला भी गया था कि सेडिशन को अपहोल्ड भी किया गया था बट कंडीशंस डाली गई थी कि यहाँ यहाँ आप नहीं लगा सकते हो. ठीक है. नाउ व्हाट इज स्टॉकहोम प्लस 50? बेसिकली स्टॉकहोम प्लस 50 50 साल ऊपर हो चुके हैं. द कन्वेंशन विच वॉज डन इन द 1972, सबसे पहला एनवायरमेंट कन्वेंशन हुआ था, उसी के बाद सारे एनवायरमेंट मेजर्स शुरू गए थे. उसी कन्वेंशन के थ्रू UNEP की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई गई थी. नाउ UNEP कुछ नहीं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट जो है प्रोग्राम, उन्हीं की स्थापना की गई थी 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में. अब बिकॉज ऑफ कमोरेटिंग द 50 ईयर्स ऑफ इट, इस बार 4 जून के पास इसका वहाँ पे कन्वेंशन स्टॉकहोम में ही रखा गया है. ठीक है. सो इस बार का कोट आप देख सकते हो, अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर अपॉर्चुनिटी. हमारे लिए अगर हेल्दी प्लैनेट रहेगा तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी रहेगा. ये इस बार का थीम रखा गया है फॉर दी स्टॉकहोम प्लस 50. UN की जनरल असेंबली UNGA की मीटिंग होने वाली है एनवायरमेंट की स्टॉकहोम स्वीडन में. ये मीटिंग ऑलरेडी 50 साल पहले 1972 में करी गई थी, सबसे पहला एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस. उस वक्त हमारी PM इंदिरा गांधी जी भी वहाँ पे गई थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करा था. उन्होंने एक चीज़ बोली गई थी दैट एनवायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रिलेटेड टू दी पॉवर्टी. अगर एनवायरमेंट इम्प्रूव होगा तो पॉवर्टी कम होगी. तो ये काफ़ी वाइड चीज़ उन्होंने वहाँ पे बताई गई थी. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, आप देखो ये कॉन्फ्रेंस हुआ गया था स्वीडन में, और उसी को ही सेलिब्रेट करने के लिए इस बार भी वहाँ पे ही रखा गया है. अब इस मीटिंग जब हुई थी तो उसमें 26 प्रिंसिपल डिसाइड किए गए थे कि इसी के बेसिस पे एनवायरनमेंट का और डेवलपमेंट होगा, एंड ये एक्शन प्लान के बेसिस पे रिजोल्यूशंस लाए गए थे. इसी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था कि UNEP की स्थापना हुई थी, मेजर बॉडी जिसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है. नाउ यू कैन सी 26 प्रिंसिपल जो दिए गए हैं. क्या है ये प्रिंसिपल? कि भैया नेचुरल रिसोर्स को बचाओ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम करो और उसे एग्जॉस्ट मत होने दो, वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करो, अर्थ की कैपेसिटी जितना है उसे मेंटेन करो, ओशन पॉल्यूशन मत करो, ये पॉल्यूशन मत करो. तो सारी चीज़ 26 से 26 इधर एनकैप्चर करी थी. यू कैन रीड इट 1 by 1 करके. नाउ मूविंग अहेड, डिस्पाइट दिस इंस्टीट्यूशन अकम्प्लिशमेंट, हमने देखा UNEP की गद्दी सबसे पहले हो गया, स्टिल इतना एनवायरमेंट के ऊपर काम नहीं किया. उसी के चलते आगे जाके रियो अर्थ सबमिट हुई, जहाँ पे 2 और चीज़ निकल के आई थी जिसे बोलते हैं UNFCCC, CBD एंड UNCCD. UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल मतलब बायोडाइवर्सिटी, देन थर्ड वॉज ऑन दी डेजर्टिफिकेशन, उसे रोकने के लिए कन्वेंशन हुआ था. तो ये 3 चीज़ रियो अर्थ समिट से हुई. उसके बाद आगे जाके 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात हुई थी. सो यू कैन सी यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें शुरुआत हुई, चाहे ये प्रोग्राम का इनिशिएट हुआ पर फिर भी इतना काम नहीं हो रहा था, इसलिए आगे ये सारी चीज़ें शुरू करी. नाउ इशू क्या था? बेसिकली ये प्रोग्राम तो रखा बट देर वॉज सम इशू. ये इतना हाई फोल्डिंगली नहीं चला जितना UNFCCC ये सब चला. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर था. ठीक है. तो सोवियत यूनियन और उनके जो वॉर्सो पैक किए थे ना, उन्होंने बॉयकॉट किया था, क्योंकि यहाँ पे UN के अंदर ईस्ट जर्मनी को UN का मेंबर नहीं डाला गया था, तो उन्होंने बॉयकॉट किया था. ठीक है. दूसरा, चाइनीज़ ने अपने डेलीगेशन जो भेजे थे वो हॉस्टाइल थे US से. तो यहाँ पे इंडो चाइना पे आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनकी तरफ से की थी. पाकिस्तान, पेरू, चाइन, उन्होंने भी इशू किया था कि कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल है ये सारी चीज़ें. तो काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बॉयकॉट किया. सो उसके चलते ये कॉन्फ्रेंस चाहे काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था बट क्यों इतना सक्सेसफुल आगे नहीं रहा ना. UNEP की बात करें
तो यूएनएपी 1972 में बना, इसका हेड क्वार्टर देखो याद मत रख दो इस तरीके से कि सारे हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में होते तो इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में हो, नहीं, ये केन्या में नैरोबी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसका एजेंडा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे काम करना एंड प्रोटेक्ट करना एनवायरमेंट को। नाउ फंक्शंस क्या है, बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, एक तो सारे नेशंस एनजीओ उन सबसे कोऑर्डिनेट करेगा, फाइनेंस लाएगा, पॉलिसीज बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस, वहाँ पे प्रमोट करने की बातें हैं। यूएनएपी के द्वारा और भी सेक्रेटरियट बाकी सारे कन्वेंशन के लिए भी है, जैसे कि मिनामाटा कन्वेंशन, ये मर्क्यूरी का है, साइट्स ट्रेड ऑन द एंडेंजर स्पीसीज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए, उनके भी ये सेक्रेटरियट है, वहाँ पे भी वो एंगेज है, ठीक है, उन्हीं के अंदर ये कन्वेंशन रनिंग कर रहे हैं। नाउ यूएनएपी के द्वारा ये चार रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, रिपोर्ट पूछती है, एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनएपी के द्वारा की जाती है, फ्रंटायर यूएनएपी के द्वारा की जाती है, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक यूएनएपी के द्वारा की जाती है, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट्स। सो ये चार रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है यूएनएपी के द्वारा। नाउ दैट्स इट, नाउ मूविंग अहेड विद द लास्ट थिंग्स, बता दो ये क्वेश्चन आईवीसी बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेटेड है। Which of the following sites of Indus Valley Civilization are located in India? So you can see over here, Mohenjo-daro Pakistan mein hai, Ganeriwal bhi Pakistan mein hai, sirf Rakhigiri and Dholavira hi India ke andar hai. Dholavira ko to abhi hal filhal mein heritage site ka tag bhi mila hai. Harappa bhi Pakistan mein hai. So answer will be 2 and 4. So kafi easy bhi kabhi kabhi yaad aate hai. नाउ प्रिलिम सीरीज आगे बढ़ते, लास्ट टाइम की बाकी थी तो इस बार मैंने इंक्लूड की बिकॉज ऑफ द इशू विद द वॉइस। नाउ सहारिया ट्राइब, इट वॉज इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फूड क्राइसिस के वजह से मध्य प्रदेश की सहारिया आदिवासी न्यूज़ में थे, ये पी वी टी जी के अंदर आते हैं, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, पी वी टी जी की स्थापना एक कमीशन देबर कमीशन के रिकमेंडेशन से की थी, जिसको पहले पी टी जी भी बोला जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, आगे जाके इसका नाम करण करके पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया था। 18 स्टेट्स एंड वन अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे सारी पी वी टी जीज है। नाउ रफली मध्य प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रहते हैं, ठीक है, नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश बट उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार, तमिल, वेस्ट बंगाल एंड प्लेन्स ऑफ आसाम ऑल्सो, दे स्पीक मुंडा लैंग्वेज, तो ये मुंडा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से है, दे प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। अगर इनकी बात करें तो ये बेसिकली ना फैमिलीज के अंदर डिवाइडेड किए जाते हैं और इनकी पितृ समाज सोसाइटी है, तो उसी के बेसिस पे जो हेड होते हैं उनको बृंदा बोला जाता है, बिलीफ इनकी खुद की एथनिक प्रैक्टिस पे है पर इनको हिंदू वैल्यूज में ज़्यादा अवेयरनेस है एंड दे डू आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। सो अलग अलग ट्राइब्स है अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, जातीज आर दी फार्मर, अर्सी आर द वीवर्स, मूली आयरन वर्कर, किंडल बास्केट बनाने वाले, कुंभी पॉटर्स। नाउ कहनेरी केव्स वॉज ऑल्सो इन द न्यूज़ बिकॉज यहाँ पे जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ एम्यूनिटीज, टूरिज्म के बेसिस पे यहाँ पे लॉन्च की गई थी। सो यहाँ पे कानेरी में 100 केव्स है, ये बेसिकली महाराष्ट्र में ही आती है, ज़्यादातर मुंबई के अंदर बोरीवली है, वहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क है, उधर ही ये केव्स है, ये बुद्धिस्ट मॉन्क की केव है, 180 से 980 के बीच में बनी गई है, इसमें तीनों टाइप की बुद्धिज़्म के व्हीकल्स आपको दिखेंगे, हिनायन, महायान एंड वज्रयान, एंड फाइन की बुक में भी कानेरी केव्स के बारे में लिखा गया है। इसको पैट्रोनेज करने वाले वाकाटका, सातवानास, सिल्हारास एंड ट्राइकुटास, सो दिस इज द कानेरी केव्स, 100 केव्स है इसके अंदर। देन मनी स्पाइंडर एंड एंटी मिमिक एंड, बेसिकली ये दोनों स्पाइंडर जो है ये मिले गए थे थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूजीसी के रिसर्च और उसके बेसिस पे उनको पहली बार वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, मतलब हमारे जो
वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे पहली बार ये स्पीसीज मिले गए। मनी स्पाइडर की बात करूँ तो इसका नाम इसलिए इसे रखा गया है क्योंकि इसको मिलने से गुड लक मिलता है, कोई इसके कांटेक्ट में आए ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये यूरोपियन मीडोज में जनरली मिलते हैं, इंडिया में मिले हैं अभी इसलिए न्यूज़ में है। और ये बहुत ड्वार्फ है, छोटे वाले साइज़ के। सो यू कैन सी द इमेज ओवर हियर, इनका कलर देख सकते हो आप, डार्क ब्राउन कलर है। यहाँ पे इनकी आंखें अरेंज करके रखी है, यहाँ पे देखो सिल्वर ब्लैक उन सब का ऑलिव ग्रीन कलर के बेसिकली लेग्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और ये फीमेल जो होती है वो फीड कर मतलब वो ड्राई यहाँ पे वेब बनाती है ट्रायंगुलर शेप में, और जो मेल होते हैं ना वो छुप जाते हैं ट्विग्स के ड्राई लीव्स के बीच में और फिर अटैक करते हैं। ये देखो एंटी मिमिकिंग स्पाइडर, ये दिख रहा एंट जैसा है, इसके जो पैर है वो सब स्ट्रक्चर एंट जैसा है, इसलिए उसका नाम एंटी मिमिकिंग स्पाइडर रखा गया है। ये जंपिंग स्पाइडर भी बोला जाता है, साल्टिसाइड फैमिली से ये बिलोंग करती है। इसके पैर की वजह से ये पोटेंशियल प्रिडेटर से बच सकती है। एंड ये तीन स्पीसीज इंडिया में इसमें से पहली वेस्टर्न घाट में रिपोर्ट हुई गई है। ठीक है, सो फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग फैंग्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ एन एंटलर, यू कैन सी यहाँ पे पैर देखो एक चीटी की तरह है, इसलिए इसको एंड वो नाम दिया गया है। देन नेशनल क्रेच स्कीम, बेसिकली राजीव गांधी सरकार की ये स्कीम शुरू की थी 2006 में, अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि इस बार का जो था 21-22 उसमें इसको फंड ही सरकार के द्वारा दिया नहीं गया था। ठीक है, अब ये क्या है जो वर्किंग वुमेन्स है उन लोगों को प्रमोट करने के लिए कि वो वर्क कर सके आफ्टर बेबी, वो अपना जॉब ना छोड़ दे, वर्क कर सके, उनके लिए क्रैचेस प्रोवाइड करें कि वो उनका बेबी का भी टेक केयर हो सकता है। ठीक है, अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, यू कैन सी ओवर देयर किस तरीके से फंडिंग दी गई है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे बोला गया है कि जो लो इनकम ग्रुप की महिला है जो कम से कम 15 दिन महीने के या तो 6 महीना जो जॉब कर रही हो उन लोगों के लिए एलिजिबल है। इस स्कीम के अगर हम प्रावधान देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो BPL फैमिलीज़ है उन लोगों के वो लोग 20 रुपीज़ दे के यूज़ कर सकते हैं, एंड जो अदर्स हैं उनके लिए 100 से 200 रुपये के रेंज रखे गए। इसको इम्प्लीमेंट वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। फीचर्स अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या बोला गया है, स्लीपिंग फैसिलिटी होगी, 3 साल के बिलो बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन दिया जाएगा, अर्ली स्टिमुलेशन होगा, एंड 3 to 6 को प्री स्कूल एजुकेशन भी दिया जाएगा, न्यूट्रिशंस भी दिए जाएंगे, एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग, हेल्थ चेकअप, ये सब वहाँ पे फैसिलिटीज़ होगी। ये क्रैच महीने में 26 दिन खुली होगी, 7.5 घंटे ही काम करेगी। ठीक है, एंड एक क्रैच में 25 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। यूज़र चार्ज लगाया जाएगा जो मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी ऑनरशिप रहे इसको मेंटेन करने के लिए। ये स्कीम 6 महीने से बच्चे से लेके 6 साल के बच्चे को फोकस करता है, जो महिला रूरल या अर्बन एरियाज में जॉब करती हो विद द पीरियड मिनिमम 15 दिन महीने में या तो 6 महीना इन अ ईयर। सो ये सारी कंडीशन है जिसके बेसिस में आप देख सकते हो दैट ये स्कीम रखी गई है। सो आई गेस दिस इज द लास्ट टॉपिक, यहाँ पे हम कंक्लूड करते इस वीक का इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स थे दैट वी हैव डिस्कस। सो काफ़ी जो इसमें से प्रीलिम फैक्चुअल चीज़ थी आप लिख सकते हो, टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। सो कुछ उसके रिगार्डिंग इन फ्यूचर्स एनी कॉन्ट्रोवर्सीज या कुछ बाहर निकल गया है कमीशन्स के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, कुछ भी आए, सो यू कैन इंक्लूड दैट इन योर नोट्स। टिल दैट, थैंक यू गाइज़।